सद्गुरुवे बाबा श्री मस्त रामाय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो तृतीय सूत्र प्रारंभ कर रहे थे हम। भ्रांतिकार उसके लिए कहते हैं कि पूर्व सूत्र से संगति बताने के लिए कि जगत कार मतलब शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इत्युपक्षिप्तम्। जगत कारण के रूप में ब्रह्म को प्रस्तुत किया दूसरे सूत्र में, इसलिए इससे यह भी इम्प्लाइड होता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ हैं, सारे संसार के रचयिता हैं, तो सब सबको जानते हैं वो। इस बात को, ये जो अर्थात प्राप्त हो रही है बात सर्वज्ञ ब्रह्म, आर्थिकी सर्वज्ञता, उस आर्थिकी सर्वज्ञता को दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। इसी पर ये भामतिकार कह रहे हैं कि सूत्रांतरम अवतारयितुम पूर्व सूत्र संगतिम आह जगत कारणत्व प्रदर्शने नेति। तो पूर्व सूत्र से संगति बता रहे हैं, और वो संगति बताने के लिए भाई जगत कारणत्व, ब्रह्म जगत के कारण है, जन्माद्य से यतः सूत्र से सिद्ध हो गया, तो उससे ये भी इम्प्लाइड होता है कि भाई ब्रह्म सर्वज्ञ हैं, उसको दृढ़ करने के लिए ये सूत्रकार सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं शास्त्रीय योनित्वात्। और इसी के ऊपर भ्रांतिकार ये कहते हैं कि न केवलम जगद योनित्वाद अस्य भगवतः सर्वज्ञता शास्त्र योनित्वाद अभिबोधव्या। ये भगवान की ब्रह्म की सर्वज्ञता जगत का कारण होने से ही नहीं है, केवल शास्त्र का ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने के कारण भी है, ये जानना चाहिए। सूत्रांतरम अवतारयितुम पूर्व सूत्र संगतिम आह जगत कारणत्व प्रदर्शनेन तत् न केवलम जगद योनित्वाद अस्य भगवतः सर्वज्ञता शास्त्र योनित्वाद भी बोधव्या। दोनों प्रकार से ब्रह्म की सर्वज्ञता माननी चाहिए। शास्त्र योनित्वस्य सर्वज्ञता साधनत्वं समर्थयते। मिथिलेश जी, है तो सही पर बोल नहीं रहे। हेलो, है तो अनम्यूट सर, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है लगता है। हाँ हाँ हाँ, लोगों के नमस्ते प्रणाम का भी ना पता नहीं क्यों उत्तर नहीं दे रहे थे। हाँ, उत्तर नहीं दिया उन्होंने, पर वो है तो सही। हाँ, जुड़े हुए तो दिख रहे हैं। अनम्यूट किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही है सर लगता है। मिथिलेश जी अब शायद अनम्यूट अब हुए। मिथिलेश जी नहीं, वो सर कई बार म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये जो बात सेंटेंस मैंने पढ़ा है इसका अर्थ समझ आ गया ना जी? क्योंकि विमली जी भी नहीं है आज, क्योंकि उनकी
पत्नी की मां की डेथ हो गई तो वो वहां पर गए। सर ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट अभी तक चल रहा है, बस मुझे ना पिछली बार भी कक्षा में जो मैंने कहा ना तीन शंकाएं थी जो आप उस दिन आपको कहीं निकलना था ना तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो आज थोड़ा समय मिलेगा तो लास्ट में या जब भी आपको उपयुक्त लगे आप मुझे कहिएगा ना, वो मैं चर्चा थोड़ा छेड़ना चाहूंगा। अच्छा अच्छा वो एक ही चर्चा है ना सर की, बाकी तो मैं समझ गया था बाद में अपने से स्वयं से पंक्ति लगा ली थी मैंने। एक चर्चा रह गई थी कि वो जो कहते हैं ना कि हेतु त्राण नहीं कर सकता है जो है पक्ष और साध्य के पक्ष में साध्य की जब सिद्धि करते हैं ना तो हेतु की तो बात तब उठेगी जब कम से कम पक्ष में साध्यवत्ता की बात बनती हो, वो आपस में ही व्याघाती हो तो बात ही खत्म हो जाती है। वंध्या जननी वाली बात कही थी, वो बात न्याय के पक्ष में मुझे समझ में नहीं आई कि वो कैसे लागू हुआ। नहीं न्याय के पक्ष में तो नहीं, मान ले कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का पक्ष प्रस्तुत कर दे, मैं ये जो वंध्या जननी की बात हो रही थी ना कि वंध्या स्त्री जननी, तो वंध्या स्त्री जननी तो उसमें सिद्ध करने के लिए हम नारीत्व तो हेतु दे दें, वंध्या जननी नारीत्वात्, हाँ अपर नारित्व नारीत्व नारीवत, ठीक है। अब यदि इस तरीके का कोई पक्ष प्रस्तुत कर दे तो वो तो जैसे ही प्रस्तुत हो रहा है वैसे उसका व्याघात हो गया ना। हाँ ठीक है ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ यही बात कर रहे थे उसकी तुम, और इसके अतिरिक्त न्याय तो कैसे लागू होता है ना कि चित्यंकुरादि सकर्तृकम, इसमें व्याघात क्या है ये बात नहीं समझ में आ रहा। नहीं इसमें कहां व्याघात की बात आई थी, नहीं इसी संदर्भ में कहा था ना कि न्याय का तो जो अनुमान वाक्य है ना वो तो उठते ही खत्म हो जाता है। वो तो केवल इस बात को कहते हैं कि आप ये कैसे उस क्षित्यंकुर आदिकम कर्तृजन्यम से तो ये सिद्ध होता है, कर्तृत्व की सिद्धि होती है मात्र। हाँ 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 ईश्वर की सिद्धि कैसे हुई? लेकिन हाँ ईश्वर की सिद्धि के लिए फिर वो कहेंगे कि भाई ये एक एक कर्ता बहुत सारे होते हैं जैसे महल इत्यादि बनाने के लिए, तो लाघव तर्क दे करके वो कहते हैं एक मान लो लाघवात एक एक ये वो कर्ता स्वीक्रियताम, वो कहते हैं ये क्या लाघव की बात आप कर रहे हैं, मतलब इस वो उस रूप में उसका खंडन कर रहे थे। हाँ उसमें असल में क्या है ना कि अनुमान एक नहीं है, वो कई अनुमानों का संघ है। हाँ बात को मानना नहीं चाहते हैं ये कुछ ऐसी वो यही है कि कैसे आप सिद्ध करोगे उसको। हाँ हाँ ईश्वर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? हाँ ईश्वर की सिद्धि उतने से तो नहीं होगी। हाँ हाँ नहीं होगी, उसके लिए आगे फिर आपको और आर्गुमेंट्स देनी पड़ेंगी, परिशेषा अनुमान और बहुत सारी चीजें और जुड़ेंगी तब और जुड़ेंगी, मतलब हाँ वो मात्र उस अनुमान से सिद्ध नहीं हो रहा। हाँ सही बात, इतनी बात थी बस। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आई है। अच्छा वो मैंने वो लगाया ना कान में, वो क्या होता है ईयरफोन, अच्छा तब आ रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। अब तो आवाज आ रही है आपकी। चलो ठीक है सर, सबको नमस्ते और आपको सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते प्रणाम सर जी। नमस्ते नमस्ते, वो ईयरफोन लगाया तब आवाज आ रही है, नहीं तो आ नहीं रही थी पता नहीं। अच्छा अच्छा तो ईयरफोन लगाया तब आवाज आ रही है। हाँ जी, और फिर आपकी आवाज भी हमें तभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी? नहीं आपकी तो मुझे आ रही थी। अच्छा आपकी नहीं आ रही है किसी रूप में? हाँ मेरी आपको आ नहीं रही थी ना पहले, अब आ रही है। अब ईयरफोन लगाने पर आई है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक होगा ना उसमें ईयरफोन में? हाँ 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 ये होगा, पता नहीं ये, अच्छा माइक इसने ऑफ कर रखा हुआ रोशना ने। हाँ हाँ ये होगा फिर, अब ये लोग सो रहे हैं ना। चलो ठीक है सर। हाँ, चालू रखते हैं। हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा अब शास्त्र योनित्व से सर्वज्ञता आम सर्वज्ञता साधनत्व समर्थयति, तो शास्त्र योनित्व सर्वज्ञता का हेतु है इसका आप समर्थन कर रहे हैं। भाष्यकार महत ऋग्वेदादे शास्त्रस्यानेक विद्यास्थान उपृंगितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणं ब्रह्म।
कि भाई शास्त्रियों ने है ब्रह्म, ये सर्वज्ञ कैसे हैं, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं भाष्यकार कि महान ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं, अनेक विद्या स्थान उपभृंगितस्य, अनेक विद्या स्थानों से, अनेक विद्याओं से जो समर्थित है, उपभृंगित है, व्याख्यात है, उनसे उपकृत है, ऐसे ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रदीपवत सर्वार्थावत द्योतिन, प्रदीप की तरह सब अर्थों का जो प्रकाशन करते हैं, समझाते हैं, और जो ऋग्वेद आदि सर्वज्ञ कल्प हैं, सर्वज्ञ सदृश हैं, क्योंकि उसमें लगभग सब अर्थों का समावेश है या सब अर्थों का वो प्रकाशन करते हैं, उसका जो कारण होगा वो उससे भी अधिक जानने वाला होगा, ब्रह्म उसके कारण है, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। तभी आगे कह रहे हैं, नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य, इस प्रकार के ऋग्वेदादि स्वरूप वाले शास्त्र का जो कर्ता है या जो उत्पत्ति स्थान है, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो अस्ति, न का यहाँ अन्वय कर लेंगे, सर्वज्ञ गुणान्वित से और सर्वज्ञ से अन्य कोई भी इसका उत्पत्ति कर्ता नहीं हो सकता, इसका कर्ता नहीं हो सकता, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः, ये शास्त्र ऋग्वेद आदि है, इसका विशेषण हो गया, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य ऋग्वेद आदि लक्षणस्य ईदृशस्य शास्त्रस्य सर्वज्ञात अन्यतः, यानी सर्वज्ञ से भिन्न किसी और से उसकी संभव मन उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस जिस शब्द प्रपंच के लिए, ये थोड़ा सा समझाने की बात है अभी तो, वैसी विस्तर विस्तर जो शब्द है ना, ये विस्तर शब्द में रिदोरप से अप प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रथने वाव शब्दे, पाणिनि सूत्र एक, प्रथने वाव शब्दे, प्रथन अर्थ में यानी कि विस्तार के अर्थ में, अशब्द माने शब्द को छोड़ करके, घय प्रत्यय लगता है, स्त्री धातु से घय प्रत्यय लग करके विस्तार शब्द बनता है उससे, तो वो शब्द भिन्न अर्थ में लग रहा है, वो हम ये कह सकते हैं पटस्य विस्तार, घय प्रत्यांत जो विस्तार शब्द है वो शब्दान्य अर्थ में, शब्द प्रपंच से भिन्न अर्थ में घय प्रत्यय लग रहा है, तो पटस्य विस्तार हो सकता है, परंतु ये रिदोरप से जो अप्रत्यय लग रहा है वो, वहां तो कहा है ना अशब्दे, तो ये मतलब शब्द प्रपंच अर्थ में अप्रत्यय लग रहा है, तो विस्तर के लिए काशिका में दृष्टांत उदाहरण दिया है, विस्तर वचसाम शब्दानाम विस्तर, यानी शब्द प्रपंच के अर्थ में विस्तर शब्द है, वो है ना सर, दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ में शृणु, दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, दैवी संपत्ति मैंने विस्तर पूर्वक कह दिया, वो भी शब्द प्रपंच है, शब्द शब्दों के माध्यम से, तो यहां पर भी यद यद विस्तरार्थम का ये मतलब हो ना, जिस जिस शब्द प्रपंच के लिए व्यक्ति शास्त्र विशेष का कथन करता है या रचना करता है, यानी कि यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस किसी पुरुष विशेष से शब्द प्रपंचार्थ शास्त्र का संभव होता है, उत्पत्ति होती है, अब उदाहरण ये दे रहे हैं, यथा व्याकरण आदि पाणिन्यादेर गेयक देशार्थम अपि से ततोप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके, तो व्याकरण आदि
पाणिनी ने रचे और वो पाणिनी के द्वारा जो गे है उसके वो उसका एक देश ही उसका अर्थ है। थोड़ा समझ, पाणिन्यादेर गेक देशार्थम अपी स ततोप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। व्याकरण आदि का ये गेक देशार्थम, ये व्याकरण आदि का विशेषण है। गे का मतलब है कि पाणिनि इत्यादि के जितने गे हैं उन गे में एक है अर्थ जिसका, पाणिनि के द्वारा तो पाणिनि के तो बहुत से गे हो सकते हैं लेकिन एक गे, गे एक देश का ये मतलब है, उन अनेक गेयों में एक देश है अर्थ जिसका, ऐसा व्याकरण आदि। अनेक गेयों में जैसे शब्द साधुत्व एक गे है तो शब्द साधुत्व के लिए व्याकरण आदि, इसका ये मतलब नहीं कि पाणिनि को अन्य पाणिनि के द्वारा अन्य गे नहीं है, अन्य बहुत से गे हैं लेकिन उनमें से एक गे है अर्थ जिसका, ऐसे व्याकरण आदि पाणिनि इत्यादि से उनकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए पाणिनि इत्यादि पाणिनि उससे भी अधिक ज्ञान वाले हैं ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। एक प्रकार से व्याप्ति हो गई कि जो भी आदमी, एक मिनट सर, इसका ये अर्थ हुआ क्या कि पाणिनि के ज्ञान का वो केवल मात्र एक हिस्सा है? हाँ, एक अंश है, एक देश माने एक अंश भी तो होता है ना। हाँ, एक देश का एक अंश भी होता है। हाँ, अंश के अर्थ में ठीक है सर। और यदि हम ऐसे कर दें, अनेकों गेयों में से एक गेय है, तो दरअसल में अनेक गेय भी एक पूरा गेय हो गए पाणिनि के, उसका एक हिस्सा, एक हिस्से के लिए व्याकरण की रचना हुई। जी जी। तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो जो व्यक्ति इस संदर्भ में जैसे जिस शास्त्र की रचना करता है उस शास्त्र से जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उससे अधिक ज्ञान वाला वो शास्त्र का रचनाकार है, ये अर्थ, ये व्याप्ति बन गई। और इसलिए जो ब्रह्म है वो ऋग्वेद इत्यादि शास्त्र के रचयिता है या उसके उसके हेतु है, उसके कारण है, भगवान से उनका संभव हुआ ऋग्वेद इत्यादि का, तो ब्रह्म उससे अधिक ज्ञान वाले होंगे, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। अच्छा, ये कह दिया उन्होंने, यदि यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवती यथा व्याकरण आदि पाणिन्यादेर गेक देशार्थम अपि स ततोप्यधिकतर विज्ञान, स माने पाणिनि इत्यादि, उससे भी अधिक विज्ञान वाले हैं, यानी व्याकरण इत्यादि से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उससे भी अधिक विज्ञान वाले हैं ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। किम वक्तव्यम, तो उसकी तो फिर बात ही क्या आया, अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव त्रियंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेन लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवद यस्मान महतो भूतादियोने संभव। उसकी तो फिर बात ही क्या। इसको भामतिकार कह रहे हैं कि ये जो वाक्य है यहां से, किमु वक्तव्यम, अनेक शाखा भेद भिन्नस्य, अनेक शाखाओं में जो बटा हुआ है, अनेक शाखा भेदों से में जो विभाजित है, देवता त्रियंग व पशु पक्षी मनुष्य वर्ण आश्रम आदि के नियम कानून कायदों के प्रविभाग का जो हेतु है ऐसा ऋग्वेद आदि शास्त्र, सर्व ज्ञानाकरस्य जो सारे ज्ञान का आकर है, एक सारे ज्ञान का जो कोश है, और उसको वो अप्रयत्ने नैव लीलान्यायेन, बिना ही यानी बहुत ही अल्प प्रयत्न से, अप्रयत्न का मतलब यहाँ पर अल्प प्रयत्न है, यानी कि बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं हो। इसके लिए भामतिकार उदाहरण देंगे अलवणा यवागु, कि अलवणा यवागु बिना लवण के यवागु को नहीं कह रहे हैं, कि जिसमें थोड़ा नमक हो उसको कहा है अलवणा यवागु, इसलिए अप्रयत्नेन का ही मतलब है कि ईषत प्रयत्नेन, पुरुष निश्वासवत, जैसे पुरुष का सांस चलता है, निश्वास निकलता है,
उस तरीके से मैं तो भूतात उस महान भूत यानी ब्रह्म से जो इसका योनि कारण है उससे इसका संभव है ऋग्वेद आदि शास्त्र का। तो जब आम जो शास्त्र संसार में जिनकी रचना हो रही है उससे अधिक ज्ञान वाले शास्त्र के रचनाकार हैं तो उस ऋग्वेद आदि शास्त्र के का संभव जहां से हुआ है उसका तो कहना ही क्या। ये मतलब हुआ किम वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव त्रियंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवद यस्माद् महतो भूतादियोने संभव जिस महान भूत यानी ब्रह्म जो कारणभूत है योने ये भी पंचमी भक्ति योने संभव ऋग्वेद आदि शास्त्र का जहां से संभव हुआ है बिल्कुल ऐसे बिना किसी प्रयत्न के मानो अल्प प्रयत्न से ही जिसका ये बृहदारण उपनिषद में दिया है तस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेद उस महान भूत उस महान ब्रह्म का ही निश्वास रूप है ये ऋग्वेद इत्यादि श्रुते। तो यहां तक ये उपनय वाक्य है जैसे पर्वत वन्यमान धूमात में यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी और ये उसी तरीके का ये पर्वत भी है वन्य व्याप्त धूपमान एम पर्वत ये उपनय वाक्य जैसे है उस उपनय वाक्य को भामतिकार कह रहे हैं कि ये उपनय वाक्य है यहाँ पर और ये व्याप्ति वाक्य है यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति यथा व्याकरण आदि ये हो गया उदाहरण वाक्य व्याप्ति को सूचित करने वाला वाक्य ये हो गया उपनय वाक्य और फिर निगमन वाक्य ये है तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम चेति इसलिए वो महान भूत वो ब्रह्म निरतिशय उसमें सर्वज्ञता है निरतिशय उसमें सर्वशक्तिमत्ता है वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है ये निगमन वाक्य हो गया। ये इसका प्रथम वर्णक है जो भाष्यकार के हिसाब से हमने पढ़ लिया। ये पहला अर्थ है शास्त्र योनित्वात का कि शास्त्र का जो योनि माने कारण है शास्त्र का कारण होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है। इस प्रथम वर्णक का अब हम भामति पढ़ते महत ऋग्वेद आदेश शास्त्रस्य और महत ऋग्वेद आदि शास्त्र से क्यों कहा है उसके लिए अब समझा रहे हैं। चातुर्वर्ण्यस्य चातुराश्रम्यस्य च यथायथम चार वर्णों के और चार आश्रमों के यहां पर स्वार्थ में शय प्रत्यय लगा हुआ है। चार वर्णों के चार आश्रमों के यथायथम माने बिल्कुल सम्यक रूप से यथा यथम सम्यक रूप से क्या क्या है उसमें क्योंकि ये ऋग्वेद आदि शास्त्र ये शिष्यों को शिक्षा देते हैं इसलिए शास्त्र कहलाते हैं और शिक्षा किस किस में देते हैं ये बता रहे हैं। अब चार वर्णों के और चार आश्रमों के क्या क्या कर्म हैं क्या क्या कर्म प्रक्रियाएं हैं निषेक आदि श्मशान अंतासु निषेक यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक निषेक आदि श्मशान अंतासु ब्राह्म मुहूर्तोपक्रम प्रदोष परिसमापनीयासु ब्राह्म मुहूर्त में शुरू होने वाली और प्रदोष काल में समाप्त होने वाली क्या क्या नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म पद्धति नित्य कर्म प्रक्रिया नैमित्त कर्म प्रक्रिया काम्य कर्म प्रक्रिया में शिष्याणाम इन 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 विषयों में ऋग्वेद आदि शास्त्र शिष्यों को शासनात् माने शिक्षा देते हैं इसलिए शास्त्रम ऋग्वेद आदि और किसमें शासन करते हैं और किसमें शिक्षा देते हैं ब्रह्मतत्वे च यहां पर ब्रह्मत्व लिखा हुआ मेरे पास
रीडिंग ये होनी चाहिए ब्रह्म तत्वे च। तो ऋग्वेद आदि शास्त्र शिष्यों को किस किस में शिक्षा देते हैं? नंबर एक, चतुर्वर्ण और चतुराश्रमों में निषेक आदि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक, और नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म पद्धति, वो प्रक्रियाएं जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रदोष काल में समाप्त होने वाली क्रियाओं में शासन यानी शिक्षा देते हैं। और ब्रह्म तत्वे च, और ब्रह्म तत्व में भी वो शिष्यों का शासन करते हैं ऋग्वेद आदि शास्त्र, क्योंकि इतना पूरा उनका एम्बिट है, विषय वस्तु इतनी अधिक है, इसलिए ऋग्वेद आदि को महान कहा। अतएव महाविषयत्वान महत ऋग्वेद आदि, बहुत बड़ा विषय होने के कारण ऋग्वेद आदि का, इसलिए उनको महत ऋग्वेद आदि कहा है भाष्यकार ने। और अब वो कह रहे हैं कि न केवलम महाविषयत्वेन अस्य महत्वम, ऋग्वेद आदि के विषय बहुत बड़े हैं, बहुत व्यापक हैं, इसीलिए महान महत्ता नहीं है उनकी, अपितु अनेक अंगोपांग उपकरण तयापि इत्या, क्योंकि उसके अंग और उपांग रूप सामग्री बहुत है उसके व्याख्यान करने के लिए वेदों की, इसलिए भी ऋग्वेद आदि शास्त्र महान गए गए हैं, उनकी महत्ता है। अनेक अंगोपांग उपकरण तया, अनेक अंग और उपांग उनके व्याख्या करने की सामग्री है उनकी, इसलिए भी महान है। वो आगे बता रहे हैं कौन कौन सी सामग्री है। अनेक विद्यास्थान उपबृंगितस्य, अनेक विद्यास्थानों से जो उपकृत हैं, और वो अनेक विद्यास्थान कौन कौन से हैं वो ये बता रहे हैं महामतिकार। पुराण न्याय मीमांसादयो दश विद्यास्थानानि तैस तथा तया तया द्वारा उपकृतस्य, पुराण न्याय मीमांसादि दश विद्यास्थान, इन दश विद्याओं से और अनेक प्रकार से ऋग्वेद आदि उपकृत हैं। उपकृत हैं का मतलब व्याख्यात है, वो व्याख्यात जैसे ये बता रहे हैं वेदांत कल्प तरुकार, ये दस विद्या स्थान कौन कौन से हैं, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र ये चार हो गए, और षडंगानी छह अंग हो गए, तो चार और छह मिलकर के दस विद्या स्थान हो गए। इन दस विद्या स्थानों से ऋग्वेद इत्यादि का व्याख्यान होता है, ऋग्वेद इत्यादि की व्याख्या होती है, उनके अर्थों का प्रकाशन होता है। जैसे उदाहरण करें, तया तया द्वारा का उदाहरण दे रहे हैं कल्पतरुकार, उदाहरण के लिए सृष्टि वाक्यापेक्षित सर्गादि प्रपंचन द्वारा। अब ऋग्वेद इत्यादि में जो सृष्टि वाक्य हैं, उससे अपेक्षित जो सर्गादि सृष्टि की प्रक्रिया के व्याख्यान द्वारा पुराण इत्यादि वेद की व्याख्या करते हैं। सृष्टि वाक्य उपनिषदों में जो सृष्टि वाक्य हैं, उन सृष्टि वाक्यों का सर्गादि प्रपंचन द्वारा, सर्गादि के द्वारा यानी कि सृष्टि की प्रक्रिया डिटेल में बताती हैं पुराणें। सृष्टि वाक्य अपेक्षित सर्गादि प्रपंचन द्वारा पुराणम, पुराण उसकी व्याख्या करते हैं ऋग्वेद आदि शास्त्र की। तो 18 पुराण इसीलिए हैं सारे, और ये कह रहे हैं देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुराणम अद्वैत परम, पुराण में भी अद्वैत दर्शन का ही प्रतिपादन है। सृष्टि वाक्य अपेक्षित सर्गादि प्रपंचन द्वारा पुराणम अद्वैत परम, और न्याय के लिए बता रहे हैं जाति व्यक्ति लक्षण निरूपणेन न्यायो वैदिक पदार्थ शुद्ध्यर्थः। जाति व्यक्ति जिनका स्वरूप है, जाति व्यक्ति के लक्षण का निरूपण करते हैं वैदिक पदार्थ के शोधन के लिए, तो न्यायशास्त्र उसमें उपयुक्त होता है, उसका उपयोग होता है। तो न्यायशास्त्र का उपयोग ऋग्वेद आदि के
पदार्थों की शुद्धि के लिए, ऋग्वेद आदि के पदार्थों की स्पष्टता के लिए है, और वो भी ऋग्वेद आदि शास्त्र का जितने पदार्थ हैं उनको शोधन करते हैं न्याय। और धर्मशास्त्र ये बताता है कि भाई किस तरीके से कौन सा कर्म किस समय करना चाहिए, क्या प्रायश्चित करना चाहिए, किस फल के लिए क्या हम यज्ञ इत्यादि करें, ये धर्मशास्त्र में वर्णन है। और धर्मशास्त्र और ये हो गया आपका मीमांसा, और मीमांसा का उपयोग तो वेदों की व्याख्या में बड़ा स्पष्ट है ही है। सारा मीमांसा दर्शन वेद वाक्यों का, यानी कर्मकांड के वेद वाक्यों का व्याख्यान स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद इत्यादि शास्त्र के बहुत से उपकरण और उपकरण हैं, उसके बहुत से अंग हैं, बहुत से उपांग हैं। पुराण इत्यादि ये जो दश विद्या स्थान उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो केवल वो कह रहे हैं कि विषय की महत्ता से ऋग्वेद आदि की महत्ता नहीं, बल्कि उसके व्याख्या के साधन बहुत अधिक हैं, इसलिए भी ऋग्वेद आदि महान है। उसकी महत्ता दोनों प्रकार से बता दी, स्वयं विषय उनका बहुत बड़ा है इसलिए महान है, और उसके व्याख्या करने वाला जो साहित्य है वो भी बहुत बड़ा है इसलिए वो महान है। और इसी से इस बात का भी, इस बात की आशंका भी दूर हो जाती है कि ऋग्वेद इत्यादि में कोई अप्रामाणिकता होगी। तद अनेन समस्त शिष्ट जन परिग्रहेण अप्रामाण्य शंका प्यपाकृता। इस प्रकार से समस्त शिष्ट जन परिग्रहेण, समस्त शिष्ट जन ही, समस्त शिष्ट जन कौन है? पुराण इत्यादि के जो प्रणेता है वो समस्त शिष्ट जन है, वो ही उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो परिग्रह का मतलब उसको स्वीकार करके तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और शिष्ट जनों के द्वारा उनकी व्याख्या हो रही है। तो ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं उनमें अप्रामाण्य की शंका इस प्रकार से निरस्त हो जाती है, क्योंकि समस्त शिष्ट जनों के द्वारा ही उनकी व्याख्या हो रही है, इसलिए ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रामाणिक हैं। आगे बता रहे शिष्ट कौन है, पुराण आदि प्रणेतारो ही महर्षय शिष्टाः। पुराण आदि के प्रणयन करने वाले महर्षि ही शिष्ट हैं। तया द्वारा और उस प्रकार से वेदान व्याचक्षण, वेदों की वो व्याख्या करने वाले हैं जो शिष्ट, और उनके द्वारा वेदों में जो प्रतिपादित अर्थ है आदर पूर्वक उनके द्वारा अनुष्ठान उनका किया जाता है, इसलिए आदरेण अनुतिष्ठत भी शिष्टई परिगृहितो वेदः। वेद उनके द्वारा स्वीकार करके उसकी व्याख्या इत्यादि की गई। नचे अयम, और क्योंकि वो इसकी व्याख्या करने वाले हैं, अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं, अनेक शास्त्रों को का साथ सहाय लेके व्याख्या करते हैं, इसलिए ये जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं ये अनवबोध को न, यानी किसी बात को का बोध न कराते हो ऐसी बात नहीं है। नचयम अनवबोध को, नापि अस्पष्ट बोध को, ना ही ये अस्पष्ट बोधक है, ये न अप्रमाणम स्या, जिससे कि इनमें अप्रामाणिकता आ जाए, इसीलिए कहा है भाष्यकार ने प्रदीपवत सर्वार्थावत द्योति न, प्रदीप के समान सब अर्थों का ये प्रकाशन करने वाले हैं। सर्वम अर्थ जातम सर्वथा उबोधयन, सब प्रकार के अर्थ, सब अर्थ अर्थों का सर्वथा माने सब प्रकार से ज्ञान कराते हैं, इसलिए अनवबोध को नापि अस्पष्ट बोध को, न तो वो अनवबोधक है और ना ही अस्पष्ट बोधक है इत्यर्थ। और इसलिए ये सर्वज्ञ कल्प है, ऋग्वेद धारी शास्त्र सर्वज्ञ के समान है, यानी इसमें सर्वज्ञ क्या मतलब है कि सारा विषय इनमें इसमें प्रतिपादित है। सर्वज्ञ से ही ज्ञानम सर्व विषयम, जो सर्वज्ञ है उसका ज्ञान क्या है, सर्व विषय ज्ञान होता है, सब विषयों का ज्ञान जिसका जिसमें है वो सर्वज्ञ है। शास्त्रमपि शास्त्रस्यापि अभिधानम सर्व विषयम, और शास्त्र जो है सब विषयों का अभिधान करता है,
तो सर्वज्ञ में और शास्त्र में ये सादृश्य हो गया। सर्वज्ञस्य ही ज्ञानम सर्व विषयम, शास्त्रस्यापि अभिधानम सर्व विषयम इति सादृश्यम। तो सर्वज्ञ और ऋग्वेद इत्यादि में ये सादृश्य बता दिया। ऋग्वेद इत्यादि सर्व विषयक है और सर्वज्ञ का ज्ञान सर्व विषयक होता है। ऋग्वेद आदि सब विषयों का अभिधान करता है, करते हैं, और सर्वज्ञ सब विषयों को जानता है। तो सर्वज्ञ और ऋग्वेद आदि में ये सादृश्य हो गया। सर्वज्ञस्य ही ज्ञानम सर्व विषयम, शास्त्रस्यापि अभिधानम सर्व विषयम इति सादृश्यम। तद एवं अन्वयम उक्त्वा, वो वहां पर अन्वय की बात की है। अन्वय का मतलब है कि ऐसा सर्व विषयक ज्ञान जिसमें है उस शास्त्र का वही उद्भव स्थान हो सकता है जो सर्वज्ञ गुणान्वित हो। आगे वो जो भाष्य में कही थी, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो न अस्ति ईदृशस्य ऋग्वेदादि शास्त्रस्य। तद एवं अन्वय मुक्त्वा व्यतिरेकमाह, व्यतिरेक बने अभाव से बता रहे हो कि भाई इस प्रकार के ये जो नहीं ईदृशस्य शास्त्र से जो कहा, ये व्यतिरेक दृष्टांत देके बता रहे हैं कि सर्वज्ञ से भिन्न कोई इसका रचनाकार नहीं हो सकता। तद एवं अन्वयम उक्त्वा व्यतिरेकमाह नहीं ईदृशस्य, ये व्यतिरेक दृष्टांत है कि सर्वज्ञ गुण से युक्त जो व्यक्ति नहीं है, यानी सर्वज्ञ से भिन्न से इसकी रचना नहीं हो सकती। यानी ऋग्वेद आदि शास्त्र की रचना या ऋग्वेद आदि शास्त्र का संभव वही हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, जहां सर्वज्ञता हो, जहां सर्वज्ञ और उससे भिन्न, उससे अतिरिक्त, उससे अन्य कोई ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण नहीं हो सकता। ये व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गए। नहीं ईदृशस्य, नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेद आदि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो अस्ति, ये व्यतिरेक दृष्टांत है। और ये हो गया सर्वज्ञस्य गुण सर्व विषयता, सर्वज्ञ का गुण है सर्व विषयता, और ये सर्व विषयता से अन्वित होता है शास्त्र। तद अन्वितम शास्त्रम, तद से सर्व विषयता ले लेंगे हम, क्योंकि अस्यापि सर्व विषयत्वात्, कि शास्त्र भी सर्व विषयक होता है। जैसे ऊपर बताया था वो कि शास्त्र का जो अभिधान है वो भी सर्व विषय है, सारा विषय है जिस अभिधान का, ऐसा अभिधान करता है शास्त्र। उक्तम अर्थम प्रमाणयति, उसी अर्थ को और प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो पहले बात हो चुकी है, यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति स पुरुष विशेष ततोपि शास्त्राद् अधिकतर विज्ञान इति योजना। पहले वाली बात हो गई ना ये, कि जो व्यक्ति इस मतलब शास्त्र की रचना करता है संसार में, विश्व में, उसका ज्ञान उस शास्त्र में जो प्रतिपादित ज्ञान है उससे अधिक होता है। ये यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति सब पुरुष विशेषे ततोपि शास्त्रात् अधिकतर विज्ञान इति योजना। और उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं भामतिकार, अद्यत्वेपि अस्मदादिभिर् यत् समीचीन अर्थ विषयम् शास्त्रम् विरच्यते तत्र अस्माकम् वक्त्रिणाम् वाक्यात् ज्ञानम् अधिक विषयम्। अद्यत्वेपि, आजकल भी, अस्मदादि भी, हम जैसे लोगों के द्वारा, हम जो समीचीन अर्थ विषयम् शास्त्रम्, ऐसा शास्त्र जो जिसका विषय समीचीन अर्थ हो, यानी एक सार्थक और प्रामाणिक अर्थों का प्रतिपादन कर रहा है जो शास्त्र, वैसे शास्त्र की हम जैसे लोग रचना करते हैं, तो हम तत्र अस्माकं वक्तृणाम, हम जो वक्ता हैं वो उस शास्त्र को जो बोल रहे हैं,
हम जैसे जो वक्ता हैं, अस्माकं वक्तृणां वाक्यात्, हम जो बोल रहे हैं वाक्य और उन वाक्यों से जिस ज्ञान का प्राकट्य हो रहा है उससे भी अधिक ज्ञान हम वक्ताओं का है। वक्तृणां वाक्यात् ज्ञानम अधिक विषयम्, वक्तृणां ज्ञानम अधिक विषयम्। कस्मात्? वक्तृणां वाक्यात्, वक्तृणां वाक्येभ्यः वक्तृणां ज्ञानम अधिक विषयम् वर्तते। और साथ में बता रहे हैं कि शब्द पूरे ज्ञान को तो प्रकट कर ही नहीं पाते हैं। नहीं ते असाधारण धर्मा अनुभूयमाना अपि शक्या वक्तुम, और जो कुछ बहुत ही विशेष धर्म, बहुत ही विशेष बातें होती हैं जो हम अनुभव तो कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। न खलु इक्षु क्षीर गुड़ादीनाम मधुर रस भेदा, गन्ने का, दूध का, गुड़ इत्यादि के जो मधुर रस भेद हैं, जो मिठास हैं डिफरेंट प्रकार की, ते भेदा शक्या न शक्या सरस्वत्या भी आख्या, तुम सरस्वती भी उनको नहीं कह सकती। गन्ने और जो, जैसे मान लो किसी मीठे वस्तु का हमने स्वाद आस्वाद किया तो हम ये नहीं बता सकते कि मीठा कैसा है। तो इस प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी जैसे अनुभव जिन काम कर रहे हैं और जो भी संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका हम शब्दों से पूरा बखान नहीं कर सकते। इसलिए शब्दों के द्वारा जो व्यक्त होता है वक्ताओं के द्वारा, उससे भी अधिक ज्ञान, जैसे मैं शब्दों के द्वारा यदि किसी मीठे रस भेद का वर्णन कर रहा हूं तो उन शब्दों के माध्यम से वो अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा, वो तो केवल अनुभव गम्य है, अनुभव से ही पता लगता है। तो ये बता रहे हैं कि शब्द से अभिव्यक्ति पूरे ज्ञान की नहीं हो पाती। तो फिर जो वक्ता किसी शास्त्र की रचना कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, शिष्यों को पढ़ा रहा है, तो उससे बहुत अधिक ज्ञान वाला है वो वक्ता। इसी प्रकार ऋग्वेद आदि शास्त्र का जहां से संभव हुआ है, वो ऋग्वेद आदि शास्त्र में जो सर्वज्ञ कल्प कहा जा रहा है उससे भी अधिक ज्ञान वाले ब्रह्म होंगे। इसलिए मतलब निरतिशय ज्ञान है उनमें, और साथ में निरतिशय शक्तिमत्ता का भी हो जाएगा, क्योंकि संसार की रचना जो कर रहा है उसकी शक्ति का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। विस्तर अर्थम अभी वाक्यम न वक्तृ ज्ञानेन तुल्य विषयम कथितुम विस्तर ग्रहणम। और विस्तर, जो विस्तर शब्द का ग्रहण क्यों किया है, इसलिए किया है कि जो वाक्य है वो वक्ता के ज्ञान के तुल्य विषय वाला नहीं है। विस्तरार्थम अपि वाक्यम न वक्तृ ज्ञानेन तुल्यम, वाक्यम न वक्तृ ज्ञानेन तुल्य विषयम इति कथयितुम विस्तर ग्रहणम। जो शब्द प्रपंच हम प्रयुक्त करते हैं उन वाक्यों से जिस भी ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है वो वक्ता के अंदर जो ज्ञान है वो उससे अधिक होता है, ये कहने का अभिप्राय है। सोपनयम निगमनम, ये पहले मैंने बता दिया आपको, सोपनय निगमन क्या है वाक्य, ये बताया ना यहाँ पर। ये किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देव त्रियंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुष निश्वासवद यस्मान् महतो भूतादियोनि संभव। ये उपनय वाक्य है, तभी इसको भामतिकार कह रहे हैं सोपनय निगमनम आह। किमु वक्तव्यम से उपनय कहा यहां तक संभव तक, और फिर उसके बाद तस्य महतो भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम, ये निगमन वाक्य। इसी को ही कह रहे हैं कि सोपनयम निगमनम आह किमु वक्तव्यम। वेदस्य यस्मात् महतो भूताद् योनि संभव, यस्मात् महतो भूताद् योनि संभव वेदस्य, जिस महान भूत यानी महान भूत कारण स्वरूप जो है, योनि माने कारण स्वरूप,
क्योंकि यस्माद महतो भूतादियों ने, ये सब पंचमी भक्ति में। और इस महान भूत यानी ब्रह्म से जो कारण है वेद का, वेदस्य संभव, जहां से वेद का संभव होता है, तस्य महतो भूतस्य ब्रह्मणो, उस महान भूत ब्रह्म का निरतिशय सर्वज्ञत्व, निरतिशय सर्वशक्तित्व किमु वक्तव्यम्, उसके निरतिशय सर्वज्ञत्व, निरतिशय सर्वज्ञत्व, उसकी निरतिशय सर्वज्ञता और उसकी निरतिशय सर्वशक्तिमत्ता, इसकी तो बात कहने की बात क्या है, मतलब है कि वो तो है ही है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, अनेक शाखा इत्यादि का ये व्याख्या कर रहे हैं। अत्र अनेक शाखा भेद भिन्नस्य संभव इत्यंत उपनय, ये तो बताई दी आपको कि अनेक शाखा भेद भिन्नस्य इत्यादि से लेके संभव यहाँ तक उपनय कहा गया है। तस्य इत्यादि सर्वशक्तिमत्तम चेत्यंतम निगमनम, ये आपको पहले बताई दिया गया है। अप्रयत्नेन का बता रहे हैं वो अर्थ, अप्रयत्नेनैव, इसका मतलब ईषत प्रयत्नेन, अ से यहां पर अभाव अर्थ ना ले हम, ईषत प्रयत्नेन यथा अलवणा यवागुः, जैसे अलवणा यवागु में ये जो पुडिंग बनाए हमने कम नमक वाली है उसको अलवणा यवागु जैसे कहते हैं, कम नमक वाली, इसी प्रकार अप्रयत्नेनैव का अर्थ होगा कम प्रयत्न से, ईषत प्रयत्न से जिन्होंने ऋग्वेद आदि शास्त्र की रचना कर दी, तभी है ना, देवर्षयो ही महापरिश्रमेणापि, देवर्षि महापरिश्रम से, महापरिश्रम करके भी, यत्र अशक्ता, जहां पर वो अशक्त हैं, तदीयम यानी ऋग्वेदादि शास्त्र की रचना करने में देवर्षि महर्षि इत्यादि भी अत्यधिक प्रयत्न करने पर असमर्थ अपने आप को पाते हैं, उन ऋग्वेदादि शास्त्रों का ब्रह्म ने ईषत प्रयत्नेन लीलैव करोति, लीला में ही कर दिया उनका प्राकट्य, इसीलिए इति निरतिशयम अस्य सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम चोक्तम भवति, इससे ब्रह्म की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कह दी जाती है। अप्रयत्नेन अस्य वेद कर्तृत्व श्रुतिरुक्ता, अप्रयत्न से ही वेद कर्तृत्व, अप्रयत्न माने ईषत प्रयत्न से ही वेद के रचनाकार हैं वो, उसमें श्रुति बताई गई है अस्य महतो भूतस्य, अस्य महतो भूतस्य, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेदः, ये श्रुति ऋग्वेद इत्यादि का संभव ब्रह्म से हुआ है, ये श्रुति इसमें प्रमाण है। सर एक शब्द पूछना है। हाँ जी, ये लीला न्यायन जो है, ये न्यायन क्यों कहा है इसको, लीलैव जैसे है उसके जो वजह लीला न्यायन कह रहे हैं ना, लीला न्यायन में जैसे लीला होती है उस लीला की तरह न्याय का ये मतलब। अच्छा, लीला एव के सेंस में है। हाँ चलिए। अच्छा मिथिलेश जी, अब मैं एक बहुत डिफिकल्ट लाइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो वो जरा ध्यान से सुनिएगा, अब पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। पहले तो आसान है वो लेकिन जो दूसरा उसका अनुमान है, अनुमान वाक्य, वो थोड़ा कठिन है। ये पहला वाला तो आसान है, ये तो पहले बता चुका हूं मैं। इदम इह अनुमानम, कल्पतरु के वाक्य की बात कर रहा हूं, कल्पतरु, इदम इह अनुमानम ब्रह्म वेद विषयाद अधिक विषयज्ञम, ब्रह्म वेद के विषय से अधिक विषय जानने वाला है क्योंकि वो उसका कर्ता है ब्रह्म। यो यद वाक्य प्रमाण करता स तद विषयाद अधिक विषज्ञ, जो जिस वाक्य का प्रामाणिक करता है वो उस वाक्य से अधिक जानने वाला होता है, यथा पाणिनि इत्यादि। ये तो आसान था, ये बात हो भी गई थी, और इसी को ये बता रहे हैं कि सर्वाभाषक वेद कर्तृत्वेन, सर्वाभाषक वेद कर्तृत्वेन पक्ष धर्मता बलात् सर्वज्ञत्व सिद्धि, क्योंकि पक्ष में ये कह दिया ना कि वो वेद के कर्ता है और वेद जो अपने आप में सर्वज्ञ कल्प है, तो उस पक्ष में ही ऐसा कह दिया है जिससे हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ, पक्ष धर्मता बलात् सर्वज्ञत्व सिद्धि, यद वा
यदवा से ये एक अनुमान और दे रहे हैं, सत्यमूर्ति जी, सत्यमूर्ति सर सुन रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना ना आप, न्याय के विद्वान हो आप इसलिए मैं कह रहा हूं, कोशिश करते सर। जी मैं बोल रहा हूं अब, अयम घटः एतद् अन्य असर्ववित कर्तृकत्वानि अनधिकरण एतद् अन्य अवेदत्वानि अनधिकरण सकर्तृकान्य घटत्वात् घटांतरवत्, ये अनुमान वाक्य। इसमें पक्ष है अयम घटः, ओके, और इसमें हम इसका साध्य क्या है, जो ये वाक्य बोल रहा हूं मैं ना, एतद अन्य असर्ववित कर्तृकत्व अनधिकरण एतद अन्य अवेदत्व अनधिकरण सकर्तृक सकर्तृकान्य, तो सकर्तृक अन्यत्व साध्य है, अन्यत्व साध्य है इसमें। अब किससे अन्य है, बड़ा विचित्र सा अनुमान है ये, यहां पर अयम घट में हम अन्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं, अन्यत्व होता है भेद, ठीक है, तो उस भेद का प्रतियोगी कौन है, ठीक है, ठीक है। जब हम अन्यत्व सिद्ध कर लेंगे तो अन्यत्व की सिद्धि, क्योंकि अभाव ज्ञानम प्रतियोगी ज्ञानाधीनम, ठीक है। यहां पर अयम घट को जो लेकर के हम ये अनुमान वाक्य की रचना की है कल्प तरुकार ने, ये केवल इसलिए की है कि हम उससे उस जिसका भेद यहां सिद्ध करना चाह रहे हैं, उस भेद का ज्ञान इस अनुमान वाक्य से हो जाएगा। अब मैं बहुत सरल ढंग से इसको बता रहा हूं, एतत एतत शब्द तो घट के लिए है, एतद अन्य माने का मतलब है घट से भिन्न, एतद अन्य का क्या अर्थ है, घट से भिन्न, एतद पक्षीभूत घट को परामर्श कर रहा है, एतद अन्य क्या है, वो असर्ववित कर्तृकत्व अनधिकरण जो इससे भिन्न हो और असर्ववित कर्तृकत्व का जो अधिकरण ना हो, असर्ववित कर्तृकत्व का जो अधिकरण ना हो, अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, जो सर्ववित कर्तृकत्व का अधिकरण हो, असर्ववित कर्तृकत्व का जो अनधिकरण हो, अर्थात जो सर्ववित कर्तृकत्व का अधिकरण हो, अर्थात जिसका कर्ता सर्वज्ञ हो। एक बार ये जो विशेषण है, एतद अन्य सर्ववित कर्तृकत्व अनधिकरण, ये सकर्तृक का विशेषण है, सकर्तृक के दो विशेषण, एक तो ये हो गया एतद अन्य असर्वित कर्तृकत्व अनधिकरण, और दूसरा हो गया एतद अन्य अवेदत्व अनधिकरण, वो इससे एतद अन्य माने जो पक्ष में घट है उससे भिन्न हो और अवेदत्व का अधिकरण हो, अवेदत्व का अनधिकरण हो, अवेदत्व का अनधिकरण का मतलब है जो वेदत्व का अधिकरण हो, अर्थात जो वेद हो। तो मतलब क्या हुआ कि जो वेद हो, अवेदत्व अनधिकरण का मतलब है कि जो वेद हो, और असर्ववित अनधिकरण का मतलब है जो सर्वविद कर्ता वाला हो, सर्वविद कर्ता वाला हो, उससे अन्य ये घट है। एतद अन्य सर्ववित कर्तृकत्व अनधिकरण हो गया, इससे भिन्न हो और असर्ववित कर्तृकत्व का अनधिकरण हो, अर्थात इससे जो भिन्न हो और वो उसका कर्ता सर्ववित हो, सर्वज्ञ हो, इससे भिन्न हो और उसका कर्ता सर्वज्ञ हो, नंबर हो, नंबर दो, इससे भिन्न हो और
वो अवेदत्व का अनधिकरण हो अर्थात वो वेद हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्वज्ञ कर्तृक वेद से अन्यत्व इस घट में सिद्ध हो रहा है। कैसे सिद्ध हो रहा है? ये घटत्वात्, ये घटत्व तो हेतु हो गया इसमें, और घटांतरवत, घटांतर भी उसी प्रकार से इस सर्ववित कर्तृक वेद से भिन्न है। तो मोटी अर्थ इसका ये निकला कि इस घट में जो अन्यत्व हम सिद्ध कर रहे हैं उस अन्यत्व का प्रतियोगी कौन है? सर्वज्ञ कर्तृक वेद। सर्वज्ञ कर्तृक वेद, वेदान्यत्व इस घट में सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से, इस अनुमान से भी सर्वज्ञ कर्तृक वेद की सिद्धि हो रही है। कुछ समझ में आई बात? और एक तरह का व्यतिरेक ही है ना सिद्ध करने का तरीका, व्यतिरेक विधि से कि वो वैसा नहीं है। ये व्यतिरेक विधि से तो है, लेकिन व्यतिरेक विधि से आप उसको उस जब अन्यत्व अन्यत्व साध्य है यहाँ, और अन्यत्व किससे, अन्यत्व का मतलब भेद होता है, ठीक है, तो भेद होता है तो भेद का प्रतियोगी कौन है? उस भेद के प्रतियोगी की सिद्धि हो रही है ना, समझ में आ रही है नहीं बात? बिल्कुल सही। वो भेद का प्रतियोगी कौन है? वो सर्वज्ञ कर्तृक वेद है। वो सर्वज्ञ कर्तृक वेद से अन्यत्व इस घट में सिद्ध हो रहा है। तो ये सिद्धि तो हो रही है और अनुमान से हो रही है, और उसी उसी को देखो ना किस तरीके से इसमें, और इसको ये कल्पतरु परिमल में बड़े अच्छे ढंग से समझा है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठवीं लाइन में एतद अन्यश्च असौ असर्ववित कर्तृकश्च तस्य भाव तत्त्वं तद अनिधिकरणम् इत्येकं सकर्तृकस्य विशेषणम् एतद अन्यश्च असौ अवेदश्च तस्य भावस्तत्त्वं तद अनधिकरणम् द्वितीयं तस्य विशेषणम् एवं भूतात् सकर्तृकाद् अन्यत्वस्य। एवं भूतात् का मतलब ऐसे, एवं भूत का मतलब ये सर्वज्ञ कर्तृक वेद। एवं भूतात् सर्वज्ञ कर्तृक वेदात् अन्यत्वस्य साध्यस्य दृष्टान्ते प्रसिद्धि। वो अन्यत्व साध्य है, अन्यत्व सिद्ध हो जाता है। अन्यत्व सिद्ध होने से ये कैसा वेद हो गया? सर्वज्ञ कर्तृक वेद हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्ध हो जाता है इससे भी। दोबारा बताऊं कैसे और किसी को? मिथिलेश जी सर, ये तो ये पंक्ति जो है ना, इसके बारे में आप वही कह सकते हो, अहम वेद में शुको वेत्ति संजय वेत्ति मानव। आप जानते हो, सत्यमूर्ति जी जानते हैं, अब प्रशांत जी और अपने रामनाथ जी जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। अच्छा, रामनाथ समझ आई कुछ ये? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया। भारतेंदु, भारतेंदु जी सर, बस आधा आधा समझ में आया सर। एक बार और बताऊं? आ जाएगा सर, समझ रहे हैं सर, एक बार और सोचेंगे तो हो जाएगा सर। एक बार और बता दीजिए। पर मुझे लग रहा है वो मिथिलेश सर वाला ही श्लोक सही रहेगा सर। अनि मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये लाइन जो है, ये अगर इसको समझे बिना आगे बढ़ जाएं तो क्या नुकसान है? नहीं यार, ऐसा है कि जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था ना मिथिलेश जी, जी सर, तो मेरे दिमाग में अटक गई कि ये समझ में नहीं आ रही। हाँ, तो जब समझ में नहीं आ रही तो मैंने कहा ये समझ नहीं है मुझे, तो इसमें मेरे को एक दो दिन लगे समझने में। जी सर। और वो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत तो कुछ बता ही दूं। जी सर। और फिर एक बार बता रहा हूँ, फिर मुझे लगता थोड़ा उससे साफ होगा। वो देख, सीधी बात ये है, अयम घट को पक्ष बना रहे हैं जी। और उसमें अन्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो किससे अन्यत्व, यानी उसका प्रतियोगी कौन है? उस प्रतियोगी को ही समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा
शब्दों का यूज किया है तो देख फिर देख लो आप। एतद अन्य, एतद अन्य माने ये जो पक्ष में घट है इससे भिन्न हो, और क्या हो, असर्ववित कर्तृकत्व का अनधिकरण हो, इससे भिन्न हो और असर्ववित कर्तृकत्व का अनधिकरण हो, अर्थात जिसका कर्ता सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, ये मतलब हो, असर्ववित कर्तृकत्व अनधिकरण हो, इससे भिन्न हो। क्लियर हो गई बात? ही एतद अन्य असर्वित कर्तृकत्व अनधिकरण, और दूसरा एतद अन्य अवेदत्व अनधिकरण हो, इससे अन्न हो और अवेदत्व का अनधिकरण हो, अर्थात वेद हो। अवेदत्व का अनधिकरण होगा मतलब वेद, वेदत्व का अधिकरण, वेदत्व का अधिकरण वेद हो। तो इतना जो इसमें टेढ़ा मेढ़ा कहा गया उसका, एतद अन्य असर्वित कर्तृकत्व अनधिकरण यानी सर्ववित कर्तृक हो यानी सर्वज्ञ कर्तृक हो, और एतद अन्य अवेदत्व अनधिकरण हो अर्थात वेद हो, इससे अन्य, इससे अन्यत्व सिद्ध हो रहा है यहां पर अयम घटा में। और क्या घटत्वात, क्योंकि ये घट में घटत्व रहता है और वो घटत्व वेद में थोड़ी रहता है, यानी सर्वज्ञ कर्तृक जो वेद है उससे भिन्न ये घट है, और उस प्रकार से वो इस घटांतर, घटांतर वो दृष्टांत है, ये घटांतरवत, घटांतरवत दृष्टांत भी वैसे ही हो जाएगा कि जो भी घटांतर होगा वो इस उससे भिन्न होगा। तो ये भी नैयायिकों की अपनी एक टेक्निक है समझाने की। नहीं, इसका बहुत जगह और भी प्रयोग किया है, मैं देखा आपको ना, मतलब जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दूंगा सेम न्याय वाक्य जो है ना। अरे अरे न्याय वाक्य सत्यमूर्ति जी जो चित्सुखी ग्रंथ है ना, चित्सुखी, उसमें महाविद्या अनुमान, महाविद्या अनुमान के अंदर खोपड़ी घूम जाती है बिल्कुल, इतने महाविद्या अनुमान चित्सुखाचार्य ने वहां पर दिए हैं। और एक समझ लो तो लगेगा कि बस आप इसके बाद समझने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये सीधी बात है ना, जैसे मैं कहूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में ओमनाथ सर, भारतेंदु सर, बलराम जी और दो तीन और नाम ले लूं, बड़े विद्वान हैं, तो इसमें बहुत कुछ अनुमान हो जाता है इतना कहने मात्र से। हाँ, अभी लीला न्याय की बात हो रही थी ना सर, ये वाला वाक्य तो न्याय की लीला लग रहा है। अच्छा। ये बढ़िया है। चलो, भारतेंदु जी का आभारी हूं मैं। आपके समर्थन में ही है सर। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, मेरे समान धर्म हो गए आप। अच्छा, अब थोड़ा दूसरा चल रहे हैं कि वो जो वेद का अपौरुषेयत्व बता रहे हैं भामतिकार ढंग से, ये भी तावत वर्णानाम नित्यत्वम आस्थिषत, यदि भगवान से वेद उत्पन्न हुए तो उस प्रकार से वो नित्य नहीं माने जाने चाहिए ना फिर, तुम ये बात आ रही है। ये भी तावत वर्णानाम नित्यत्वम आस्थिषत तैरपि पदवाक्यादिनाम अनित्यत्वम अभ्युपेयम, जो जो वर्णों के नित्यत्व में आस्था रखते हैं, जो वर्णों को नित्य मानते हैं, जैसे मीमांसक वर्णों को नित्य मानते हैं और नैयायिक नहीं मानते, ये भी तावत वर्णानाम नित्यत्वम आस्थिषत तैरपि पदवाक्यादिनाम अनित्यत्वम अभ्युपेयम, उनके द्वारा भी पद और वाक्य को अनित्य ही मानना चाहिए, वर्णों को भले नित्य मान, क्यों उसको समझा, अनुपूर्वी भेदवंतु ही वर्णा पदम, पद क्या है, अनुपूर्वी भेद युक्त वर्ण ही पद है, पर्वापर्य जिनमें वर्णों में होता है वो पद है, अनुपूर्वी भेद वाले वर्ण पद हैं, पदानी च अनुपूर्वी भेदवंती वाक्यम, और वाक्य क्या है, वो पर्वापर्य से युक्त पद ही वाक्य हैं, अनुपूर्वी भेद वाले पद वाक्य हैं। अच्छा, अब ये, अब इस बात को वो समझा रहे हैं कि ये जो
वर्णों के अंदर पौर्वापर्य हो रहा है, ये वर्णों में पौर्वापर्य कैसे हो सकता है? तो उसको समझा रहे हैं भामतिकार, व्यक्ति धर्मश्च अनुपूर्वी न वर्ण धर्म। जो अनुपूर्वी है ना वो तो व्यक्ति का अभिव्यक्ति का धर्म है, मैं दूसरे शब्द में ध्वनि का धर्म है, अभिव्यक्ति का धर्म है। व्यक्ति धर्म का मतलब अभिवर्ण की जो अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि वर्ण तो नित्य है, वर्ण नित्य है और विभू है, कालतः और देशतः वह पौर्वापर्य आयोगात, उनका यदि वो नित्य है और विभू है तो काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से तो उनमें पौर्वापर्य नहीं हो सकता। इसलिए वर्णों की जो अभिव्यक्ति है उन वर्णों की अभिव्यक्ति का ही पौर्वापर्य हो सकता है, और अभिव्यक्ति अनित्य है, ये देख लीजिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, व्यक्तिश्च अनित्या इति, व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिश्च अनित्या इति, कथम तद उपगृहीता नाम वर्णानाम नित्यानाम अपि पदता नित्यता, पदता नित्या, तो तद उपगृहीता नाम का मतलब अभिव्यक्ति उपगृहीता नाम वर्णानाम, अभिव्यक्ति से जो उपगृहित है वर्ण यानी अभिव्यक्ति धर्म से विशिष्ट है जो वर्ण, वो नित्य भले ही माने जाएं लेकिन उनके उनसे जो पद बनाए वो नित्य नहीं हो सकता। कथम तद उपगृहीता नाम वर्णानाम नित्यानाम पदता नित्या, पदा नित्यतया च वाक्यानाम भी अनित्यता व्याख्याता, और पद यदि अनित्य है तो वाक्य इत्यादि भी अनित्य हो जाएंगे उसी से। अब इसमें ये दृष्टांत दे रहे हैं कि एग्जैक्ट जो रिप्रोडक्शन है ना वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता, उसके लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं। तस्मात नृत्यानुकरणवत पदाद्यनुकरणम, पद इत्यादियों का जो अनुकरण है, जैसे मैं यदि किसी पद का उच्चारण कर रहा हूं तो जो मैंने उच्चारण किया हुआ है और दूसरा व्यक्ति जिसको मैं समझा रहा हूं वो कर रहा है, तो मेरे अभिव्यक्ति में और उसके अभिव्यक्ति में डिफरेंस होगा, एग्जैक्ट नहीं, आइडेंटिकल नहीं कर सकता, ये कहने का अभिप्राय। तस्माद् नृत्यानुकरणवत् पदाद्यनुकरणम् यथा ही यादृशम गात्र चलनादि नर्तकः करोति, नर्तक जो सिखाने वाला है जिस प्रकार से अपने अंगों का विक्षेप करता है, तादृशमेव शिष्यमाणा अनुकरोति नर्तकी, और जिस नर्तकी को वो सिखा रहा है वो भी इसी प्रकार से गात्र संचालन कर रही है। न तो तदेव व्यनक्ति, लेकिन जो नर्तक सिखाने वाला है जिस प्रकार के अंगों का संचालन या अंगों का प्रदर्शन वो कर रहा है, अंग संचालन का प्रदर्शन, नर्तकी का अंग संचालन प्रदर्शन एग्जैक्ट वैसा नहीं हो सकता। न तो तदेव व्यनक्ति, इसी प्रकार से एवं यादृशीम अनुपूर्वीम वैदिकानाम वर्ण पदादीनाम करोति अध्यापयिता, और जैसी अनुपूर्वी वैदिक वर्ण पदादि की अध्यापक करता है, तादृशीम एव अनुकरोति माणवक, उसी को वो अनुकरण करता है माणवक, न तो तामेव उच्चारयति, उसी का उच्चारण वो आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं हो सकता। आचार्य व्यक्तिभ्यो माणवक व्यक्ति नाम अन्यत्वात्, आचार्य की अभिव्यक्ति और माणवक की अभिव्यक्ति दोनों अलग अलग हैं, इसलिए नित्यानित्य वर्णवादी नाम न लौकिक वैदिक पद वाक्यादि पौरुषेयत्व विवाद, तो लौकिक वैदिक पद वाक्यादि के रूप वाक्यादि पौरुषे हैं इसमें कोई विवाद नहीं। ये न यहाँ पर ये जो है ना तस्मात नित्यानित्य वर्णवादी नाम न यहाँ पर और ऐड कर लेना चाहिए यदि पुस्तक में किसी की नहीं है तो, नित्यानित्य वर्णवादी नाम न लौकिक वैदिक पद वाक्यादि पौरुषेयत्व विवाद, पद और वाक्य जो लौकिक या वैदिक हैं उसमें वो पौरुषेय हैं इसमें विवाद नहीं है लौकिक वैदिक पद में, लेकिन ये विवाद किसमें है, केवलम वेद वाक्येषु पुरुष स्वातंत्र स्वातंत्र विप्रतिपत्ति, वेद वाक्यों में पुरुष स्वतंत्र है
या पुरुष स्वतंत्र नहीं है, इसमें मतभेद है। नैयायिक मानेगा कि पुरुष स्वतंत्र है, उसने वेदों की रचना की। मीमांसक और वेदांत ये मानेंगे कि वैदिक वाक्यों में पुरुष की स्वतंत्रता नहीं है, मीमांसक और अद्वैत वेदांत। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैदिक वाक्य हैं वो जैसे पूर्व धाता यथा पूर्व अकल्पयत, जैसे पूर्व पूर्व सृष्टियों में थे, वैसे ही भगवान ने इस समय भी इस सृष्टि में भी दे दिए विदाउट एनी इंटरवेंशन। इसलिए पौरुषेय का ये अर्थ होता है ना कि प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विरचितत्वम पौरुषेयत्वम, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विरचितत्वम पौरुषेयत्वम। प्रमाणांतर से अर्थों का ज्ञान करके जो रचना की जाती है, जैसे कालिदास इत्यादि काव्यों की रचना करते हैं, वो पौरुषेय हैं। महाभारत इत्यादि पौरुषेय हैं। सर एक बार और बता दीजिए। प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विरचितत्वम पौरुषेयत्वम। सर मुझे थोड़ी सी विप्रतिपत्ति इसमें हो रही है, क्योंकि हाँ। मुझे न्यायभूषण में मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि भास्सर्वज्ञ जब मीमांसकों के वेद नित्यता की बात जब वहां छेड़ते हैं पूर्व पक्ष के रूप में, तो साफ साफ कहते हैं कि केवल वर्ण ही नित्य नहीं है, पूर्वी सहित सब कुछ नित्य है। मतलब अग्नि मीड़े एकदम एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में नित्य है, वो ऐसा कहते हैं साफ साफ। नहीं वो उस रूप में कहते होंगे ना कि ये जो अनुपूर्वी है इसकी, इस अनुपूर्वी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसी पहले कल्प में थी वैसी इसी कल्प में। अच्छा अच्छा, इस प्रकार की नित्यता है। लेकिन वेद को तो, वेद अनित्य है तो ब्रह्म सूत्र में भी आता है, आगे वेद अधिकरण में आएगा। अच्छा, लेकिन उस प्रकार की धाता यथा पूर्वम अकल्प्य, जैसा था पहले वैसे की वैसा रिप्रोड्यूस हुआ है। हाँ नहीं, लेकिन ये तो अद्वैतवादियों का मत है ना, मीमांसकों का तो नहीं है। मीमांसकों का नहीं है ये, अद्वैतवादियों का मत कि वो तो उस प्रकार से मानते नहीं ना, कि वो तो कहते हैं हमेशा ऐसा है, जैसे ये सत्यमूर्ति कह रहे हैं। हाँ, वो तो प्रलय को मानते ही नहीं है। हाँ, वो तो प्रलय मानते ही नहीं, वो तो एज इट इज है सत्यमूर्ति जी। तो ये वेदांतियों का ये अपना मत है। हाँ मैं समझ गया सर, ये यहाँ तो डिफर करेंगे ना, क्योंकि ये संसार को जो है उस तरह से नहीं मानते। हाँ, वो तो वेद भी विवर्त है उनके हिसाब से। तो तत्र वेदा वेदा भवन्ति, हाँ, माता पिता पिता। और ये पुणे के विद्वान थे ना, उन्होंने किसी पेपर पे उन्होंने टोका भी था कि तस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः जो है ना सर, वो एक तरह से जो है ना परमात्मा या ब्रह्म अभिव्यक्ति कारण है, उत्पत्ति कारण नहीं, ये अर्थ तो एकदम लेके ही चलना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभिव्यक्ति में ही हेतु है। तभी तो है ना, वो तो इसका मतलब प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विरचितत्वम, ये तो लौकिक सबके लिए हो गया ना। नैयायिक बलिराम शुक्ल जी बैठे थे ना, तो उन्होंने उस समय काफी छोटा भी था, तो उन्होंने हाँ। समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे इसका अर्थ। हाँ हाँ, पर इसका मतलब जो उसका अभाव है वेदों के प्रसंग में, ईश्वर के द्वारा जब वो दिए गए ब्रह्मा जी को, तब वो एज इट इज जैसे थे वैसे की वैसे हैंडओवर कर दिए। तो वहां पर प्रमाणांतरण अर्थम उपलब्ध विरचितत्व का अभाव है, इसलिए स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि मतलब है कि उस वेद वाक्यों में पुरुष की अस्वतंत्रता मानते हैं ये वेदांति। यथाहु यत्नतः प्रतिषेध्या न पुरुषाणाम स्वतंत्रता, ये तो कुमारिल भट्ट का वचन है कि हमें पुरुषों की स्वतंत्रता, यानी पुरुषों का कोई भी दखल या कोई भी इंटरवेंशन वेदों में हमें हर तरीके से रिजेक्ट करना है। क्योंकि जैसे ही पुरुषों की स्वतंत्रता उसमें मान लेंगे ना, तो सारे दोष जो अंतःकरण इत्यादि के हो सकते हैं, जैसे
लौकिक वाक्यों में होते हैं वो वहां पर संक्रमण उनका हो जाएगा। इसलिए पुरुषों की स्वतंत्रता को रिजेक्ट किया वेदांतियों ने भी और वो भी मान रहे हैं। ये कुमारिल भट्ट ये बता रहे हैं बाकी तत्र सृष्टि प्रलयम अनिच्छन्तो जैमिनीया वेदाध्ययनम प्रति अस्मादृश गुरु शिष्य परंपरा अविच्छिन्नाम अनादिम आचक्षते। तो सृष्टि प्रलय को नहीं मानते जैमिनी है, वेदाध्ययन कैसे मानते हैं अस्मादृश गुरु शिष्य पर जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा है वैसे अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही अनादिकाल से, ये जैमिनी लोग मानते मतलब मीमांसक लोग। वैयासिकम तू मतम अनुवर्तमाना और जो ये अद्वैत मतवादी हैं मतम अनुवर्तमाना श्रुति स्मृति इतिहास आदि सिद्ध श्रुति स्मृति इतिहास आदि में जो सृष्टि प्रलय सिद्ध है उसके अनुसार अनादि अविद्योपदान अनादि अविद्या की उपाधि से लब्ध सर्वशक्ति सर्वज्ञानस्य सर्वशक्ति सर्व और जोड़ दीजिए सर्वशक्ति सर्वज्ञानस्यापि परमात्मनो। तो उस परमात्मा जो नित्य परमात्मा है वेदानाम योनिरपि वो वेदों का कारण होने पर भी न तेषु स्वातंत्र्यम उस उन वेदों में वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं ऐसे बता रहे पूर्व पूर्व सर्गानुसारेण तादृश अनुपूर्वी विरचनात् पूर्व पूर्व सर्ग के अनुसार वैसी वैसी अनुपूर्वी को वो देते हैं जैसी पहले थी धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् पूर्व पूर्व सर्ग में जैसी थी वैसे ही इस सर्ग में भी वो इस अर्थ में नित्यता है इसी अर्थ में नित्यता है कि अनुपूर्वी वही रहेगी हाँ नहीं बन फिर से बनानी पड़ जाए लेकिन रहेगी वही हाँ उसकी स्थिर रूपता के मतलब जो बनी रहेगी यही नित्यता का अर्थ यथा ही यागादि ब्रह्म हत्यादयो अर्थानर्थ हेतु ब्रह्म विवर्ते यागादि ब्रह्म हत्यादयो याग आदि अर्थ होते हैं ब्रह्म इत्यादि अनर्थ होते हैं याग इत्यादि अर्थ के हेतु हैं और ब्रह्म इत्यादि अनर्थ के हेतु हैं ब्रह्म विवर्त वो ब्रह्म विवर्त जो याग आदि और ब्रह्म इत्यादि हैं वो न सर्गांतरे विपर्यंत किसी दूसरे सृष्टि में उलट थोड़ी जाते हैं जैसे वैसे रहते हैं नहीं जातु क्वचित सर्गे ब्रह्म हत्या अर्थ हेतु किसी भी सर्ग में किसी भी सृष्टि में ब्रह्म हत्या अर्थ की हेतु हो मतलब वो हमारी हितकारक हो और अश्वमेध अनर्थ का हेतु हो ऐसा नहीं होता नहीं जातु क्वचित सर्गे ब्रह्म हत्या अर्थ हेतु और अनर्थ हेतु अश्वमेधो भवति अग्निर्वा क्लेदयति किसी भी सर्ग में ऐसा नहीं होता कि अग्नि गीला कर देगी और जल जला देंगे यानी पानी दहन क्रिया करने लगेगा अग्निर्वा क्लेदयति आपो वा दहन्ति तद्वत् यथा अत्र सर्गे नियतानुपूर्व्यं वेदाध्ययनम् अभ्युदय निश्रेयस हेतु अन्यथा तदेव वागवज्रतः अनर्थ हेतु और जैसे यहाँ पर इस सृष्टि में नियतानुपूर्व्यं वेदाध्ययनम् नियत अनुपूर्वी वाला वेद का अध्ययन अभ्युदय निश्रेयस का हेतु है और उसको यदि आप अन्यथा कर दोगे तो वाग वज्रतया अनर्थ हेतु वही वाग वज्र की तरह अनर्थ का हेतु हो जाएगा यदि आपने अनुपूर्वी में कोई परिवर्तन कर दिया यथेन्द्र शत्रु स्वर्थोपराधात ये दृष्टांत है इसमें वही वृत्र है ना त्वष्टा वाला कि मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा प्रयुक्त न तमर्थम इंद्र शत्रु का जो है ना वही जहां पर जैसे होने तत्पुरुष होना चाहिए इंद्र का शत्रु पैदा हो यज्ञ से है ना तो वहां पर उन्होंने प्रयोग किया था आदि स्वर बहुव्रीहि समास के रूप में इंद्र शत्रु यस्य इस रूप में शत्रु का अर्थ वहां शातयिता लेते हैं ना हाँ शातयिता है
यानी होना चाहिए था इंद्र से शातयिता उत्पन्न हो, लेकिन हो गया कि इंद्र जिसका शातयिता हो वो उत्पन्न हो, ये अर्थ हो गया। इसलिए पूर्व पूर्व एवं सर्गांतरेष्वपि तत्तद अनुरोधात सर्वज्ञोपि सर्वशक्तिरपि पूर्व पूर्व सर्गानुसारेण वेदान विरचयन न स्वतंत्र। इसलिए दूसरे सर्गों में भी वो जिस सर्ग में जैसा अनुपूर्व वाला वेद है तो वो उसी प्रकार से सर्वज्ञोपि सर्वशक्तिरपि, सर्वज्ञ और सर्वशक्ति होने पर भी पूर्व पूर्व सर्ग के अनुसार वेदों की विरचना रचना करने में रचना की, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है उसकी रचना में। वेदान विरचय न स्वतंत्र, अर्थात जैसा था पूर्व सर्ग में वैसा ही आगे दे दिया। पुरुषा स्वातंत्र मात्रम चा पौरुषेयत्वम, और पुरुष की स्वतंत्रता का अभाव मात्र ही अपौरुषेय है, ये जैमिनियों को भी अच्छा लगता है। पुरुष की अस्वतंत्रता मात्रम चा पौरुषेयत्वम, पुरुष का स्वतंत्र न होना ही वेदों के प्रसंग में अपौरुषेय है, ऐसा मीमांसकों को भी रुचिकर लगता है, ऐसा भामतिकार ये कह रहे हैं। तच्च अस्माकम अपि समानम, और वो हमें भी ठीक लगता है, लेकिन कि अन्यत्र अभिनिवेश, केवल हमारा अद्वैत के अंदर थोड़ा आग्रह है कि अद्वैत मानो, अद्वैत सत्य मानो, अन्यत्र अभिनिवेश, अन्यत्र अभिनिवेश हमारा है। उसके अतिरिक्त ये जो बात है कि पुरुष स्वतंत्र नहीं है वेदों की रचना में, ये हम भी मानते। तच्च अस्माकम अपि समानम अन्यत्र अभिनिवेशात्, अर्थ वो भी हो सकता है सर, प्रलय को हम लोग मानते हैं आप लोग नहीं मानते हैं, इतना फर्क है हमारे में और आप। किसका? हाँ भाई, अद्वैतियों में और मीमांसकों में ये अंतर है कि ये मीमांसक प्रलय को नहीं मानते, सृष्टि प्रलय को हम लोग मानते हैं। ये भी मानना ठीक है। अच्छा सर, इसमें ना पंडित रघुनाथ शर्मा जी उसकी व्याख्या करते थे, शब्द से परिणाम हो या मित्याम्नाय विदो विदु छंदोभ्येव प्रथम एतद् विश्वम व्यवर्तत, तो वो कहते थे कि वेद जो है वो उसका प्रथम विवर्त है। अच्छा अच्छा, और बाकी सब वेद का परिणाम है। अच्छा अच्छा, वेद से परिणत हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये व्याख्या वो करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये भी अच्छी व्याख्या है। और जैसे परिणाम ही नित्यता मानते हैं ना अद्वैत वाले, है तो परिणाम ही नित्यता मानते हैं ना, किसकी? अद्वैत वाले। हाँ किसकी का है? नहीं, किस कैसे मानते परिणाम नित्य? आचार्य शंकर कहते हैं ना तत्व समन्वयात सूत्र में, तत्व समन्वयात सूत्र में परिणाम नित्यता मानी है उन्होंने। हाँ आचार्य शंकर की पंक्ति है ना। नहीं सर, सृष्टि होने पर तो परिणामी नित्य वो दरअसल में उसको देखेंगे, लेकिन वो ऐसा मत है भगवत पाद का, ये ठीक नहीं है। नहीं मैं ये सर कह रहा था, ये कूटस्थ नित्यता का एरिया तो मीमांसकों का है ही नहीं। इसका मीमांसक का तो एरिया ही नहीं है ना, जो जहाँ पे जो नित्यता की बात है, तो उसके बाद जो है वो परिणाम नित्यता में वो नित्य ही मानते हैं सृष्टि को। भेद मानने के कारण सर ये सारी समस्या है कि ये जो अलग अलग दर्शन के रूप में जो पूर्व मीमांसा और वेदांत आ गया ना, यही सब समस्या का कारण है। नहीं, इसमें डॉक्टर टी एस रुक्मणी की पुस्तक में भी ना उन्होंने बड़े तर्क से स्थापित किया है कि परमार्थ की दृष्टि से तो जो है विवर्तवादी है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से परिणामवादी। हाँ वो देखो ना, व्यवहार जो प्रपंच अनिर्वचनीयता है वो आप उसको परिणाम भी तो व्यवहार ही में ही है ना, वो भी परिणाम भी व्यवहारिक सत्य ही है, वो तो माया से ही यार। वो ये कहते हैं ना सर कि जैसे दही है तो दही को दूध का विवर्त तो कोई भी नहीं कहेगा, परिणाम ही कहेंगे। तो वो तो व्यवहारिक स्तर पे वो दूध दही ये जो प्रक्रिया है, दूध भी विवर्त है और उसका परिणाम भी विवर्त है, विवर्त का तो ये मतलब होगा ना, यानी जो प्रपंच है
वो प्रपंच अनिर्वचनीय इसलिए कहा गया है वहां पर, और उसको बार बार स्वप्न पदार्थों से इसलिए उसकी तुलना की गई है कि इससे हमें वैराग्य हो, वैराग्य उत्पत्ति के लिए ही ये सारा है कि ज्यादा हम इसमें उलझे ना। और जब तक इसमें हम उलझते रहेंगे तो हाथ पर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप की तरफ। तो पूरा ये जो जैसे ये सब है महर्षि रमन इत्यादि, ये इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम अपने एकांत में बैठो और जितना भी आपका दिमाग है दिमाग को आप बिल्कुल नष्ट कर दो, मतलब अमनी भाव, मन को अमनस्त स्थिति में ले आओ। ये सारा अमनी भाव होने पर आप ब्रह्म रूप होंगे ना, मन से ही सारा झगड़ा है। शोधनम कार्यम प्रयत्न मुमुक्षुण, पर ये किन्होंने बोला था, ये मेरे ये सर विवेक चूड़ामणि कौन, विवेक चूड़ामणि का है। अच्छा अच्छा, मन शोधनम कार्यम प्रयत्न मुमुक्षुण विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्ति कर फलायते। अच्छा हाँ है तो यार ये है वैसे प्रपंच। आज आज वैसे एक हमारे कई डेथ की सूचना मिल गई, ऐसे ही गायब हो जाता आदमी बस पूछो मत, और फिर भी हम लगे रहते हैं संसार। चलो खैर आइए, नैचे एकस्य प्रतिभाने अनाश्वासे हेतु, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि यदि जो वेद रिवील हुआ है एक के कारण, तो क्योंकि एक के कारण हुआ है इसलिए उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही प्रश्न उठा दिया ये। नचे एकस्य प्रतिभाने अनाश्वासे हेतु युक्तम, एक के द्वारा प्रतिभात हुआ है इसलिए उसमें विश्वास का अभाव हो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं बहुनाम अपि अज्ञानाम विज्ञानाम व आशय दोषवताम प्रतिभाने युक्त आश्वासे, बहुत से लोग अज्ञ हों और चलो विज्ञ भी हों, और यदि उनमें आशय दोष उनके सारे अंतःकरण इत्यादि में दोष हो और उनके द्वारा कोई शास्त्र यदि प्रतिभात हो या प्रकाशित हो या रचा जा रहा हो तो उसमें विश्वास करना युक्तिसंगत नहीं है। और जो तत्व ज्ञान वाला है वो एक भी भले ही हो जिसमें समस्त दोष है ही नहीं, तत्व ज्ञान वतस्तु अपास्त समस्त दोषस्य एकस्यापि प्रतिभाने युक्त एव आश्वासन, एक हो तत्व ज्ञान वाला हो और समस्त दोष जिसमें नहीं हो वो एक भी हो तो उसमें भी हमें विश्वास करना चाहिए। और जहाँ तक सर्गादि भुवाम प्रजापति देवर्षिणाम, सर्गादि के सर्ग के आदि में होने वाले सर्ग के आदि में विद्यमान प्रजापति और देवर्षि धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्य संपन्ना नाम, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न जो हैं ये प्रजापति देवर्षि इत्यादि, इनको इनमें तो युक्ति संगत ये बात है कि उनको ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय है। तत्प्रत्येन च अर्वाचीनम, उनको उनके विश्वास से फिर हम लोगों जो अर्वाचीन है उनको भी उसमें विश्वास करना चाहिए। तत्प्रत्येन अर्वाचीना नाम अपि तत्र संप्रत्यय इत्युत्पन्नम, हमें भी विश्वास जैसे उन्होंने विश्वास किया था सर्ग के आदि में प्रजापति देवर्षि इत्यादि ने जो धर्म ज्ञान वैराग्य से संपन्न थे, उनके विश्वास से हमको भी विश्वास करना चाहिए कि ब्रह्म ही शास्त्र के कारण है। इत्युत्पन्न ब्रह्मण शास्त्र योनित्वम, और शास्त्रस्य च अपौरुषेयत्वम, अपौरुषेयत्व वही कि पुरुष की उसमें स्वतंत्रता नहीं है, और प्रामाण्यम च, और उसको किसी प्रमाण की अपेक्षा भी नहीं है। इति प्रथम वर्णकम, ये इस सूत्र का पहला व्याख्यान है। अच्छा सर, ये एकस्य जो है वो क्या ब्रह्म के लिए है? कौन सा? न च एकस्य प्रतिभाने अनाश्वास इति युक्तम। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। पूर्वाधिकरणेन ब्रह्म स्वरूप लक्षण असंभव शंकाम युदस्य, पहले अधिकरण में ब्रह्म स्वरूप का लक्षण बताया गया था
इसलिए ब्रह्म स्वरूप के लक्षण की असंभव है उसकी शंका खत्म हो गई वहां से पूर्व अधिकरण से जन्माद्य अधिकरण से। पूर्वाधिकरण ब्रह्म स्वरूप लक्षणासंभव शंका विदुष्य लक्षण संभव उक्त लक्षण की संभावना वहां पर बताई गई। तस्यैव तु लक्षणस्य अनेन अनुमानत्वाशंकाम अपाकृत्य आगमोपदर्शनेन ब्रह्मणि शास्त्रं प्रमाणम् उक्तम्। और तस्यैव लक्षणस्य तस्यैव तु लक्षणस्य और वो जो लक्षण है अनेन अनुमानत्व आशंकाम अपाकृत्य अनुमानत्व आशंका उसके वो लक्षण भी अनुमान वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया गया यहां पर इस आशंका को दूर करके आगम उपदर्शनेन यहां पर जो आगम को प्रदर्शित किया गया है आगम को उद्धृत किया गया है और इससे ब्रह्म में शास्त्र ही प्रमाण है अनुमान नहीं ये बताया गया। तस्यैव तु लक्षणस्य अनेन आगम उपदर्शनेन अनुमानत्व आशंकाम अपाकृत्य कि उस जो जन्माद्यस्य यतः जो सूत्र है वो अनुमान वाक्य के रूप में प्रस्तुत है इस आशंका को दूर करके शास्त्रीय योनित्वात् सूत्र से ये बताया गया है कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्रम योनि यस्य यानी शास्त्रम प्रमाणम यस्य जिसका शास्त्र जिसमें शास्त्र प्रमाण है तो ये दूसरा अर्थ है इसका। एक तो शास्त्रस्य योनि शास्त्र योनि शब्द बना षष्ठी तत्पुरुष और एक शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्मिन यस्य वा ये दूसरा बहुव्रीहि समास शास्त्र योनित्वात् का अर्थ हुआ कि यहाँ पर ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है यानी ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। इस अर्थ को दूसरे वर्णक के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। तस्यैव तु लक्षणस्य अनेन अनुमानत्व आशंकाम अपाकृत्य आगमोपदर्शनेन ब्रह्मणि शास्त्र प्रमाणम उक्तम ये आगे इसमें जो हमने प्रथम वर्णक पढ़ा था उसमें भाष्य हम देख लेते हैं अथवा अथवा से दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूपाधिगमे यथावत ब्रह्म के स्वरूप को ज्ञान करने के लिए जिसमें यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम जैसे ऋग्वेदादि शास्त्र बताए गए हैं वो उसके प्रमाण उसमें प्रमाण है। यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूपाधिगमे ब्रह्म का यथावत स्वरूप का ज्ञान करने के लिए जिसमें शास्त्र ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रमाण है शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्माधिगम्यते इत्यभिप्राय शास्त्र प्रमाण से ही जो जगत के जन्मादि का कारण है वो ब्रह्म अधिगम्यते माने प्राप्त होता है अनुभव का विषय बनता है या उसका साक्षात्कार होता है यह अभिप्राय है। शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे और पूर्व सूत्र में शास्त्र का उदाहरण दिया ही गया था यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि कि जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। फिर कहते हैं फिर जब बताया ही गया था तो किमर्थम इदम तरी इदम सूत्रम ते सूत्र क्या है क्यों दिया गया है। यावता पूर्व सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता जबकि पूर्व सूत्र में इस प्रकार के शास्त्र का उदाहरण देते हुए ब्रह्म की शास्त्र योनिता बताई गई है तो फिर इसको इस सूत्र को देने की क्या जरूरत है। यावता पूर्व सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता इस प्रकार के शास्त्रों का उदाहरण देते हुए उद्धृत करते हुए ब्रह्म शास्त्र योनि है ऐसा वहां पर प्रदर्शित किया ही गया यानी कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है। तो अब इसके लिए जवाब दे रहे हैं उच्चते तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् उस पूर्व सूत्र में जन्माद्यस्य यते में स्पष्ट रूप से शास्त्र का ग्रहण नहीं किया गया
तच्चे पूर्व सूत्राक्षरेण तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण शास्त्रस्य अनुपदानात् स्पष्ट रूप से शास्त्र का ग्रहण नहीं है वहां पर उपादानात् नहीं ग्रहण किया गया, इसलिए जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इत्याशंकित। तो केवल वो अनुमान के रूप में ही उसका उपन्यास हुआ है, वो वहां पर दिया गया है, ऐसी आशंका ना हो जाए। तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इत्याशंकेत, ताम आशंकाम निवर्तयितुम इदम सूत्रम प्रववृते। उस आशंका की निवृत्ति कराने के लिए इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है, शास्त्रयोनित्वादिति इति तृतीयम शास्त्रयोनित्वाधिकरणम। ये तीसरा आपका शास्त्रयोनित्वाधिकरण पूरा हो जाता है। अब अगला ये समन्वयाधिकरण में चौथा सूत्र। अब वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये जो ब्रह्म है इसमें ये शास्त्र प्रमाणक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए पूर्व पक्ष के रूप में ये सारा ये मीमांसा के पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो कहते हैं सिद्ध वस्तु के विषय में तो कोई क्रिया का विधान हो ही नहीं सकता, और ब्रह्म बिल्कुल एक भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, उसमें क्रिया किसी भी प्रकार से संभव नहीं है उसके संदर्भ में उसके लिए। इसलिए जब शास्त्र हमेशा क्रियार्थक ही है और ब्रह्म के विषय में क्रिया संभव हो ही नहीं सकती, तो शास्त्र कैसे प्रमाण हो सकता है ब्रह्म में? ये मीमांसा की तरफ से पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है यहाँ पर। तत्व समन्वयात्, तत्व का मतलब है तत् ब्रह्म शास्त्र प्रमाणमक प्रमाणकम, तत् ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम समन्वयात, क्योंकि सारे जो शास्त्र के वाक्य हैं वो ब्रह्म में ही उनका तात्पर्य पर्यवसित होता है। कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, अरे ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक कैसे कहा जा रहा है? यावता जबकि आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्थानाम, जबकि आमनाय का तो प्रयोजन क्रिया है, वो तो विधि के लिए ही है, और अनर्थक्यम अतदर्थानाम जो क्रियार्थक वाक्य नहीं है वो अनर्थक है, निरर्थक है। आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, आमनाय क्रियार्थ है, आमनाय का क्रिया में ही प्रयोजन होता है, और जो क्रिया या विधि वाक्य नहीं है वो सब अनर्थक है, निरर्थक है। इति क्रिया परत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम्, इस प्रकार शास्त्र जो है क्रिया परक बताया गया है। अब ये भामतिकार कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाणकत्वम उक्तम ब्रह्मण प्रतिज्ञा मात्रे, ये तो प्रतिज्ञा बताई कर दी गई है कि भाई शास्त्र प्रमाणक हो गया, और वो जो प्रतिज्ञा की गई है शास्त्रयोनित्वात् सूत्र में, तद अनेन सूत्रेण प्रतिपादनीयम, वो इस सूत्र के द्वारा उसका अच्छी तरह से प्रतिपादन किया जाएगा। वहां तो प्रतिज्ञा मात्र की गई है कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, लेकिन तत्तु ये समन्वय अधिकरण में उस प्रतिज्ञा का अच्छी तरह से प्रतिपादन किया जाएगा इस समन्वय अधिकरण में, और वो जो प्रतिपादन किया जा रहा है वो आक्षेप और समाधान पूर्वक होगा, लेकिन तत्व समन्वय सूत्र में केवल समाधान दिया है। इसलिए भाष्यकार उत सूत्र माने सूत्र से बाहर पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं भ्रमतिकार, तद अनेन सूत्रेण प्रतिपादनीयम इति उत सूत्रम पूर्व पक्षम आरचयति भाष्यकार। उत सूत्र माने सूत्र से बाहर, यानी सूत्र में वो नहीं है, तत्व समन्वयात में तो केवल समाधान है, पर उसका अच्छी तरह से प्रतिपादन तभी संभव होगा जब कि आक्षेप पूर्वक समाधान हो। तो क्योंकि तत्व समन्वयात में केवल समाधान है, इसलिए भाष्यकार यहाँ पर आक्षेप यानी पूर्व पक्ष
की रचना कर रहे हैं जो सूत्र में नहीं है। उत सूत्रम सूत्राद बही पूर्व पक्षम आरचेति भाष्यकार कथम पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। इस प्रकार से कथम किम आक्षेपे, यानी किम आक्षेपे का ये मतलब है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक हो ही नहीं सकता, ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शुद्ध बुद्धोदासीन स्वभावतया उपेक्षणीयम ब्रह्म भूतम अभिधत्ताम वेदांतानाम अपुरुषार्थोपदेशीनाम अप्रयोजनत्वापत्ते भूतार्थत्वेन च प्रत्यक्षादि भी समान विषयतया लौकिक वाक्यवत् तदर्थानुवादकत्वेन अप्रामाण्य प्रसंगात्। कथम पुनः से तो ये हो गया भी किम आक्षेपे, आक्षेपे का मतलब है कि भाई ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसको समझा रहे हैं। ब्रह्म शुद्ध बुद्ध उदासीन स्वभाव वाला है इसलिए वो उपेक्षणीय है। वो जो क्रियार्थक शास्त्र मानते हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं कि ब्रह्म शुद्ध बुद्ध उदासीन स्वभाव वाला है इसलिए उपेक्षणीय माने क्रिया उसमें किसी भी प्रकार से विहित नहीं हो सकती, इसलिए उपेक्षित क्रिया की दृष्टि से उपेक्षणीय। और बता रहे भूतम अभिधत्ताम वेदांतानाम, और वेदांत क्या करते हैं? वो भूत वस्तु को का प्रतिपादन कर रहे हैं, भूत वस्तु का अभिधान कर रहे हैं। भूतम अभिधत्ताम वेदांतानाम, भूत मात्र को बताने वाले जो वेदांत हैं, अपुरुषार्थोपदेशी नाम जो पुरुषार्थ का उपदेश नहीं कर रहे, अपुरुषार्थोपदेशी नाम। पुरुषार्थ तो तब होगा जबकि किसी का विधान होगा, और यदि किसी का विधान ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं है। ज्योतिष टोमेन यजेश्वर का में ये एक विधि वाक्य है, तो यहाँ पर पुरुषार्थ की संभावना है, पर जहां पर क्रिया की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पर तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा अपुरुषार्थ उपदेशी नाम वेदांता नाम। अपुरुषार्थ उपदेशी क्यों है? क्योंकि वो भूतम अभिधत्ताम, वो केवल भूत वस्तु का ही कथन कर रहे हैं, इसलिए इसलिए अप्रयोजनत्वापत्ते। अपुरुषार्थ उपदेशी नाम क्योंकि वो पुरुषार्थ का उपदेश नहीं कर रहे वेदांत वाक्य, इसलिए वो प्रयोजनहीन है, अप्रयोजनत्वापत्ते। एक तो ये बात हो गई कि वेदांत में वेदांतों का कोई प्रयोजन नहीं। दूसरी बात, भूतार्थत्वेन च प्रत्यक्षादि भी समान विषयता, जो भूतार्थ वस्तु है, जो सिद्ध वस्तु है, वो किसी दूसरे प्रमाण का भी तो विषय बन जाती है ना। जैसे आया था नदी तीरे पंच फलानी संति, अरे नदी तीरे पंच फलानी संति, ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूं, पहले मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से नदी तीर पर फलों को देखा तब का है कह रहा हूं ना, तो ये अनुवाद वाक्य। और जो अनुवाद वाक्य है, जो अनुवादक वाक्य है, वो प्रामाणिक नहीं माना जाता। और भूत ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है तो वो प्रमाणांतर का विषय हो सकता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। भूतार्थत्वेन ते प्रत्यक्षादि भी समान विषय, तक जो भूतार्थ होता है वो प्रत्यक्षादि का भी तो विषय बन जाता है। तो लौकिक वाक्यवत, जैसे लौकिक वाक्य है, जैसे नदी तीरे पंच फलानी संति, ये अनुवादक वाक्य है, ये प्रामाणिक नहीं माना जाता। लौकिक वाक्यवत तदर्थ अनुवादकत्वेन, तो वैसे वेदांत वाक्य भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय हो सकता है भूत वस्तु होने के कारण ब्रह्म, तो ये वेदांत वाक्य भी अनुवादकत्वेन, वो भी अनुवादक होने के कारण उनमें अप्रामाण्य प्रसंगात, उनमें अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी। फिर दोबारा पढ़ा ऑनलाइन देख लीजिए, शुद्ध बुद्धोदासीन स्वभावतयो उपेक्षणीयं ब्रह्म भूतम अभिदधताम वेदांतानाम अपुरुषार्थोपदेशीनाम अप्रयोजनत्वापत्ते भूतार्थत्वेन च प्रत्यक्षादि भी समान विषयतया लौकिक वैदिक लौकिक वाक्यवत् तदर्थानुवादकत्वेन अप्रामाण्य प्रसंगात, वैदिक वाक्यों वेदांत वाक्यों में भी अप्रामाणिकता आ जाएगी।
न खलु लौकिकानि वाक्यानि प्रमाणांतर विषयम अर्थम अवबोधयन्ति स्वतः प्रमाणम एवं वेदांता अपि अनपेक्षत्व लक्षणम अप्रामाण्यम एषां व्याहन्येत। अच्छा, न खलु लौकिकानि वाक्यानि, जो लौकिक वाक्य हैं वो प्रमाणांतर विषयम अर्थम अवबोधयन्ति, प्रमाणांतर का जो विषय है ऐसे अर्थ का बोध कराने वाले, ये जो अवबोधयन्ति है ना, ये शत्रंत है, ये वाक्यानि का विशेषण है। लौकिकानि वाक्यानि अवबोधयन्ति, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, क्षत्री क्षत्री प्रत्यांत है, नपुंसक लिंग है ना सर, है नपुंसक लिंग है, हाँ नपुंसक लिंग है, वाक्यानि का विशेषण है। लौकिकानि वाक्यानि अवबोधयन्ति क्या, प्रमाणांतर विषयम अर्थम अवबोधयन्ति, प्रमाणांतर का विषय है जो अर्थ उसको ज्ञान कराने वाले लौकिक वाक्य स्वतः प्रमाण, वो स्वतः प्रमाण नहीं होते, वो प्रामाणिक नहीं है। न खलु लौकिकानि वाक्यानि प्रमाणांतर विषयम अर्थम अवबोधयन्ति स्वतः प्रमाणम एवं वेदांत अपि, वेदांत भी अनपेक्षत्व लक्षणम प्रामाण्यम, क्योंकि उनमें भी अनपेक्षत्व लक्षण प्रमाण प्रामाण्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि भूत वस्तु तो प्रमाणांतर का विषय हो जाती है। तो उदाहरण के लिए हम ये मान लेंगे कि जो भूत वस्तु है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, तो वेदांत वाक्य में तो प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा हो गई, अनपेक्षत्व नहीं रहा। इसको कह रहे हैं ये कि वेदांत अपि अनपेक्षत्व लक्षणम प्रामाण्यम, ये पूर्व पक्ष अपनी तरफ से कह रहा है कि जो भूत वस्तु है वो प्रमाणांतर का विषय क्योंकि बन जाती है, और वेदांत वाक्य भी भूत वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं, अभिधान कर रहे हैं, तो वो जो भूत वस्तु है वो प्रमाणांतर का विषय बन सकती है, इसलिए प्रमाणांतर की अपेक्षा वेदांत वाक्यों में हो गई, और वेदांत वाक्यों में अनपेक्षत्व लक्षण प्रामाण्य का व्याघात हो गया। वेदांतापि अनपेक्षत्व लक्षणं प्रामाण्यं येषां व्याहन्येत, न तै न च तैर अप्रमाणै भवितुं युक्तम, और वो अप्रमाण हो ये ठीक नहीं है बात, न च अप्रयोजनै, और ना ही ऐसा है कि उनमें कोई प्रयोजन ना हो, क्यों, क्योंकि स्वाध्याय अध्ययन विद्यापादित प्रयोजनवत्व नियमात, क्योंकि स्वाध्याय अध्ययन विधि के विषय है वो वेदांत वाक्य, तो स्वाध्याय अध्ययन विधि के विषय होने पर उनमें स्वाध्याय अध्ययन विधि से जो प्रयोजनवत्ता आपादित होती है वो उनकी भी प्रयोजनवत्ता है। स्वाध्याय अध्ययन विद्यापादित प्रयोजनवत्व नियमात, स्वाध्याय अध्ययन विधि से जो प्रयोजन आपादित होता है वो प्रयोजन तो उनमें होगा ही, क्योंकि वो वेदांत वाक्य स्वाध्याय अध्ययन विधि के अंतर्गत आ जाती। तस्मात तत्त विहित कर्मापेक्षित कर्तृदेवतादि प्रतिपादन परत्वे नैव क्रियार्थत्वम, इसलिए उनको क्रियार्थक मान लिया जाए कि जो जो कर्म विहित हुए हैं उन कर्मों में अपेक्षित है कर्ता देवता इत्यादि, कर्ता देवता इत्यादि के प्रतिपादन का प्रकाशन परक है वो वेदांत वाक्य, इसलिए इनडायरेक्टली वो क्रियार्थक हो जाएंगे, इसलिए क्रियार्थता उनमें आ जाएगी, और क्रियार्थता आ जाएगी तो वो प्रयोजनवत्ता भी आ जाएगी, सार्थकता आ जाएगी, अर्थवाद वाक्य हुए। हाँ जी, यदि तू असन्निधानात्म तत्परत्व न रोचयन्ते, और यदि ये माने कि वे कर्मकांड जो है वो सन्निहित नहीं है वेदांत वाक्यों के, यदि तू असन्निधानात् और वो क्रियापरत्व आपको ठीक नहीं लगता, असन्निधान होने के कारण कर्मकांड के सन्निधि में न होने के कारण क्रियापरत्व आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या करें, तथा सन्निहित उपासनादि क्रिया परत्व वेदना, तो उपासना इत्यादि तो वेदांत वाक्यों के सन्निहित हैं, तो उपासनादि क्रिया परत्व वेदांतों को मान लो, क्रियापरक है वो, उपासनादि क्रिया परक है वेदांत ऐसा मान लो, तथा सन्निहित उपासनादि क्रिया परत्व वेदांता नाम,
एवं, और यदि हम ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा, एवं ही प्रत्यक्षाद्यनधिगत गोचर गोचरत्वेन अनपेक्षतया प्रामाण्यम, वो फिर अनपेक्षत्व लक्षण जो प्रामाण्य ऊपर कहा था ना, इसका व्याहनन हो रहा है, वो प्रामाण्य यहाँ पर हो जाएगा। कैसे? तब सन्निहित उपासनादि क्रिया परत्व मानने पर क्या होगा, प्रत्यक्षादि से अनधिगत, प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि अनधिगत गोचरत्वेन, तो प्रत्यक्ष इत्यादि के के द्वारा अधिगत न होने के कारण, प्रत्यक्षादि अनधिगत गोचर, वो प्रत्यक्षादि के विषय नहीं बनने के कारण वेदांत वाक्य उपासना इत्यादि जो है वो प्रत्यक्षादि के विषय नहीं होते। किसी उपासना से, दहर विद्या से हमको जो बताया गया है तो वो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय थोड़ा ही है, वो तो शास्त्र में बताया गया कि दहर उपासना से आपको ये प्राप्त होगा, जैसे स्वर्ग इत्यादि के लिए, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय तो नहीं रहा ना फिर, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण की जो पहले अपेक्षा हो रही थी वो खत्म हो गई। प्रत्यक्षाद्य प्रत्यक्षाद्य अनधिगत गोचरत्वेन अनपेक्षतया, अब उनमें कोई अपेक्षा नहीं रही, वो किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए जो अनपेक्षत्व लक्षण जो प्रामाण्य है वो सिद्ध हो जाएगा, और साथ में सिद्ध हो जाएगा, और साथ में उनकी प्रयोजनवत्ता भी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि उपासना का कोई फल होता है। प्रयोजन वत्वम च सिद्ध्यति इति तात्पर्यार्थः। यहां पर पारमर्श सूत्र उपन्यासस्तु पूर्व पक्षदार्ढ्याय, ये जो यहाँ पर आमनायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थकम् तदर्थानाम्, ये जो पारमर्श यानी जैमिनी महर्षि का जो सूत्र उपन्यस्त हुआ है, ये पूर्व पक्ष की दृढ़ता के लिए, यानी पूर्व पक्ष को अच्छी तरह दृढ़ करने के लिए, तो पूर्व पक्ष दृढ़ करने के लिए सारा ये है। इसके बाद इसको आगे हम बाद में करेंगे, यहाँ पर इसको रख देते हैं पूरा। पूर्व पक्ष दार्ढ्याय, पूर्व पक्ष यहाँ पर उपस्थित हो गया है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है, यहाँ तक, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर वहां पे एक जगह उन्होंने ना जो कह दिया था पिछले सूत्र की व्याख्या में ना, कि ब्रह्म तत्वस्य च शासनात् शास्त्रम, है ना, हाँ। ब्रह्म तत्व का जो है ना उपदेश करने के कारण ऐसा कर रहे हैं, ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं। हाँ, हाँ। तो बाकी तो ठीक है कि अनेक जो है वो वर्णाश्रम धर्म का वो शासन कर रहे हैं, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन ब्रह्म तत्व जो है वो शासन का विषय नहीं, वो शंसन का विषय है, स्वयं मानते हैं ना आचार्य शंकर, तो शब्द शासन का प्रयोग करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता वहां पे। नहीं, वो ब्रह्म तत्व में ये, जैसे अब हम वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत तत्व, वेदांत पढ़ते हुए हमें ब्रह्म तत्व का शासन हो रहा है नहीं हो रहा है, सामान्य अर्थ में लेंगे फिर, वो विशेष अर्थ में नहीं लेंगे। नहीं, विशेष अर्थ तो अनुभव में होता है, वो सामान्य अर्थ में ही ले रहे हैं ना, मतलब जो शब्द से हमको ज्ञान हो रहा है, वो शब्द से जो हमको ज्ञान हो रहा है तो वो विशेष अर्थ का थोड़ी ज्ञान हो रहा है हमें। नहीं नहीं, जैसे चौथे सूत्र की व्याख्या में आचार्य शंकर ने साफ जो ये कहना भी चाहते हैं कि शासनात् शास्त्रम ही नहीं होता है, शंसनात् शास्त्रम भी होता है। हाँ। तो ब्रह्म तत्व के विषय में शंसनात् शास्त्रम लगेगा, न कि शासनात् शास्त्रम, तो ये चीज वहां पर वो मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं, वो धीरे धीरे आगे चल के सब समझाएंगे। ठीक है, वैसे जो तुम कह रहे हो मुझे बात समझ में आई नहीं, तो मुझे समझाओ है, फिर मैं उस पर विचार करूंगा। सत्यमूर्ति, हेलो, ये आवाज गायब हो गई ऐसा लग रहा है। हाँ सत्यमूर्ति, आवाज गई क्या? इनका ये कहना है कि ब्रह्म तत्व के का उपदेश करने के कारण, हाँ, वो शास्त्र, उसका शासन करने के कारण वो शास्त्र हैं। हाँ हाँ,
तो इनका कहना यह है कि ब्रह्म तत्व जो है उसका तो शासन नहीं होता बल्कि शंसन होता है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, शासन और शंसन में फर्क क्या है। शंसन जो है वो खाली सूचना देता है और शासन जो है वो आदेश देता है कि भाई उसको जानो। नहीं, वैसे तो अगर देखें तो ये उपदेश तो वहां दिया है ना सर, शास्त्र का तव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। हाँ, तो ये तो शासन ही है एक प्रकार से, खाली शंसन तो नहीं है। शंसन तो नहीं है वो, और फिर भी तद विजिज्ञास वो है, वो बिल्कुल लग रहा है, वो तो शासन ही लग रहा है। हाँ, शासन ही लग रहा है, तो वो समझा समझा देंगे ना ये। अच्छा सर, ये जैसे है तो ये कहते हैं कि ये अनुमान वाक्य नहीं है, जो जन्माद्यस्य यतः अनुमान का उपन्यास नहीं है। हाँ, तो बल्कि जो शास्त्र है उस वेदांत वाक्य का उपन्यास है। हाँ, तो ये जो लोग उपनिषद वाक्यों को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वो तो ये बात मान लेंगे, लेकिन जो बुद्धिस्ट है उन्हें तो अनुमान से ही समझाना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो वो तो ऐसा ऐसा ही मानते हैं ना कि भाई जो ऐसा अनुमान जो शास्त्र विरोधी ना हो, तो समझा दो उससे, उसको कहना कि शास्त्र विरोधी ना हो, शास्त्र के अनुकूल हो, तो वो अनुमान हम अपनी अनिवार्य आया था ना उसमें। हाँ जी, हाँ, उसको भी हम उसकी भी सहायता लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बिना अनुमान के तो मनन हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ, वो तो भरतियरी भी कहते हैं ना, वेद शास्त्र विरोधी च तर्कश चक्षुर पश्यताम। हाँ, बाकी फिर विचार कर लेंगे उस पर। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके जी, हरिओम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम।